गणगौ सस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भय अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मात् सुधत्त द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगौ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगौ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि भद्रं कर्णेभिः श्रणुयाम देवा भद्रं पशेमाच्छभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनु बिभर्षेमहि देवहितं जदायुः। बड़ा ही सौभाग्य कि आज से हम लोग भक्तिमती भगवान की परम भक्ता माता मीराबाई जी का पावन चरित्र नित्य ही यहाँ श्रवण करने के लिए समवेत रूप से एकत्रित हुए हैं, एकीभूत हुए हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है और इस कार्यक्रम में आवाहन करने से पूर्व मैं परम पूज्य ब्रह्मचारी प्रकाशानंद जी महाराज जी से अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा। अभी वो पूज्य महाराज श्री का पटका उड़ा करके सम्मान करते हुए आशीर्वाद प्रदान करते हुए ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रम येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। अब मैं परम पूज्य ब्रह्मचारी प्रकाशानंद जी महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने कुछ शब्दों शब्द पुष्प पत्र से आशीर्वचन से हम सबको अभिभूत करें। हमारे कथा के जो मुख्य यजमान हैं श्रीमान बाबू भाई उम्बल एवं जखा भाई उम्बल, वो पूज्य महाराज श्री का अभिवादन करते हुए हम सबके बीच परम पूज्य ब्रह्मचारी प्रकाशानंद महाराज जी विराजे हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना कि आप सभी वैष्णवों को अपने आशीर्वचन से रसामृत प्रदान करने की कृपा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जयम्बे, हम पहले निवेदन करते हैं मुख्य यजमान आज के बाबू भाई और जखा भाई को कि अपने इंद्रेश महाराज की व्यासासन पे जो आज का मीरा चरित्र चलने वाले में उसमें उपस्थित ये हमारे महंत श्री दादा लघु दादा भारापर दादा के लघु महंत श्री अपने भरत दादा जो इतने सरल स्वभाव है और दूसरे हमारे पंचमुखा हनुमान जी के
ब्रह्मचारी परम पूज्य प्रकाश आनंद जी महाराज का सम्मान करने के लिए मैं बाबू भाई को और जखा भाई को उसके यजमान पद के नीचे मैं बोलता हूँ, अपने भीखा भाई शंभू भाई भीखा भाई हुंबल शंभू भाई भीखा भाई हुंबल और बाबू भाई वेलजी भाई हुंबल दोनों ऊपर आके सम्मान करे साल से परम पूज्य प्रकाश आनंद जी का और भरत दादा का। माताजी वसुबेन जो मढ़ी से अंजार से आए हुए उनका सम्मान साल से करेंगे। हमारा जखुबेन जखुबेन आप भी आ जाइए। माताजी वसुबेन का सम्मान करेंगे हमारे दीदी जखुबेन जी। अभी हम कथा से पहले प्रकाश आनंद जी का आशीर्वचन लेंगे। प्रकाश आनंद जी आप आशीर्वचन दीजिए। गजाननम भूतगणादिसेवितम् कपिशजंबो फलचारुभक्षण उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रबद्धे लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गावो विश्वस्य मातरः। परमपिता परमात्मा ने असीम कृपा से आज माँ जगत जननी जगदम्बा पराम्बिका शक्ति स्वरूपा माँ अंबिका के और परम जननी चेतना बल दे रही हैं। ऐसे परमात्मा की सानिध्य में आज अपने यहाँ जो मीरा के गिरधर परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से जो चार दिन का एक भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा माँ मीरा और राधा मीरा का गिरधर और राधा का गिरधर ये प्रसंग के अनुचित यहाँ बदारे हमारे बारह पर जागीर से बधारे लघु महन श्री भरत दादा के चरणों में ओम नमो नारायण और अंजार से बधारी मैया श्री माता वसुबेन उनके हृदय में विराजमान नारायण के चरणों में दंडवत और यहाँ जो माँ जगदम्बा की हर रोज पूजा उपासना करते हैं और माँ को लाड लड़ाते हैं ऐसे परम शास्त्री और
परम वक्ता और सिद्ध ब्राह्मण ऐसे हमारे ललित भाई शास्त्री, और जो हम सब आज जो प्रसंग के अनुचित उपस्थित हुए हैं, जो वृंदावन से हम सबको भगवान के गुणला को हृदयस्थ करने के लिए जिन्होंने मीरा के गिरधर के ऊपर इस समाज को नई राह देखे, एक मीरा का गिरधर, एक राधा का गिरधर, जो भक्तिमयी मैया है उसका जो गुणला सुनाने के लिए यहाँ जो उपस्थित हैं ऐसे शास्त्री श्री इंद्र जी की उपाध्याय जी, मैं परमपिता परमात्मा पंचमुखी हनुमान जी महाराज और जगत जननी जगदम्बा को प्रार्थना करूं कि इतनी छोटी उम्र में आपने लोगों को जो भक्तिमयी माता है उसका गुणला सुनाने के लिए आपने जो प्रयत्न किया है, मैं परमात्मा को प्रार्थना करूं जिसकी चेतना और जिसका संकल्प था ऐसा बहन श्री अलका बहन जो हमारे बाबू भाई हुंबल की सुपुत्री है, जो हमेशा धर्म माए जो कुछ भी होता है उनको सुनती रहती हैं, लेकिन संकल्प जो हुआ वो शुद्ध हुआ और आज की जो मांग थी कि भक्ति मैया मीरा उन्होंने भगवान को कैसे भजा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये उद्देश्य उन्होंने जो संकल्प किया वो संकल्प आज मांग के प्रांगण में चरितार्थ होने जा रहा है। मैं परमपिता परमात्मा की प्रार्थना करूं आप सर्वे भदारें उसके हृदय कमल में विराजमान भक्ति मैया के चरणों में दंडवत, विप्र वृंद जहाँ से भदारे हैं वृंदावन से वो सब विप्र वृंद के हृदय में विराजमान नारायण के चरणों में दंडवत। परमपिता परमात्मा को प्रार्थना करूं आज से प्रारंभ हुआ ये प्रसंग अनुचित उचित जो प्रसंग है वो प्रसंग हम सबको जीवन में भक्ति देगा, साता देगा और जीवन को उत्तरोत्तर भक्ति की ओर ले जाए, ऐसा परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना, सबको प्रार्थना करें कि ये जो प्रसंग है उसको जीवन में अपने उतारना। जीवन का मकसद है तीन ही, भक्ति पुण्य और सेवा। अपना जीवन का एक ही मकसद है भक्ति, हो सके तो भक्ति अमाप करो, मृत्यु के समय तक भक्ति करते रहना चाहिए और पुण्य वो मुठी मुठी करना चाहिए, अपनी जैसी शक्ति ऐसा अपने को पुण्य करना चाहिए और सेवा अपने तन से जितना हो सके उतना करना चाहिए, लेकिन परमात्मा की साक्षी में जब तक जिए तब तक अपना जो धन है वो धन और जीवन वो भक्तिमय पुण्यमय और सेवामय होना चाहिए। ऐसे हमारे गांव के जो वरिष्ठ है जिन्होंने आहिर समाज में और पूरा गांव को ख्याति दिया है वो हरेक धर्म कार्य में सर्वस्व अग्रस्त रहते हैं, ऐसे हमारे जखा भाई और बाबू भाई उसके परिवार को मैं परमपिता परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही सत्कार्य करते रहें, उस सत्कार्य के बल से लोगों के जीवन में धर्म और भक्ति का प्रादुर्भाव होता रहे। परमपिता परमात्मा को प्रार्थना करो हम सबके जीवन में भक्ति पुण्य और सेवा अग्रस्त रहे, ऐसी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीक्षण कृपः परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीवित ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु अस्तु नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रकाश आनंद जी महाराज ने हमें हरि अनंत हरि कथा अनंता के नाम पर एक भक्ति का सूत्र दिया है और आशीर्वचन भी दिया है हमें। अभी मैं
हमारा जो लघु महाराज लघु ग्रह बारापर दादा बारापर से लघु महान श्री भरत दादा जी ने मौन में ही आशीर्वचन दे दिया है, इसीलिए हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, प्रकाशानंद जी का भी अभिनंदन करते हैं। अभी हमें महाराज श्री जो इंद्रेश जी महाराज यहाँ अपने कथा सुनाने वाले हैं और कथा हम श्रवण करेंगे। इनकी कथा हमने पहले भी सुनी है 6 महीने पहले अपने हॉल में, दीनदयाल हॉल में हमारे यजमान थे, हमारे यजमान वो हमारे ब्रदर्स प्रेम जी और किरण जी उन्होंने रखी थी। तो अभी मैं इंद्रेश जी का परिचय तो मैं क्या दे सकता हूँ, न तो मेरी कक्षा है न तो मेरी क्षमता है, फिर भी परिचय देने में मेरे को संकोच भी हो रहा है कि मैं क्या हिमालय में गुल्फी बेचने के लिए निकला हूँ, इसीलिए मैं परिचय तो कह दूँ, लेकिन मेरे को जो आदेश मिला है तो थोड़ा बहुत। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आइए हम सब पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना करें, जो कि भक्तों के लिए सशक्त हस्ताक्षर के रूप में हम सबके मध्य विराजमान हैं। हम प्रार्थना क्यों, हमको भक्तिमती मीराबाई जी के पावन चरित्र में अवगाहन कराने की कृपा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तीर्थास्पदं शिव विरं चलुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलिहरि निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निवद्धनि विविलशद गोपी सहस्त्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपल्जरान्ते
अद्यैवमे विशतु मानसराजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरो धन विधो स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परम जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलो गिरधर लाल प्यारे की जय द्वारिकाधीश की जय रण छोड़ राय भगवान की जय जय श्री राधे कुछ कहें सुने भूमिका बना में कुछ भी कहने से पहले जिनके पावन चरित्र को सुनने के लिए हम आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं ऐसी हमारे गिरधर की परम प्रिया भक्तिमती आदरणीय बाईसा श्री मीराबाई उनके मधुर भाव को स्पर्श करते हुए नित्य एक पद से ही कथा का प्रारंभ करेंगे मीराबाई के पद। वैसे तो पद ही गाने हैं अब चार दिन तक, पर रोज प्रारंभ में संकीर्तन कीर्तन के स्थान पर मीराबाई का एक पद लेकर के इस चर्चा को प्रारंभ करेंगे। हम सबका सम्मान, सबका जो भी भूमिका होनी चाहिए सब मैं बाद में करूं, पहले मीराबाई के भाव से प्रवेश करते हैं इस भूमिका में। अब तो मीराबाई कह रहे हैं, अब तो हरि नाम लो तो हरि नाम लो लागी अब तो हरि नाम सब लोग गाओ। मीराबाई कह रही हैं अब तो चित्त में केवल एक ही स्थिति है, बुद्धि में एक ही विचार है, नेत्रों की जिह्वा की कान की समस्त इंद्रियों की आत्मा की एक ही इच्छा है केवल हरि नाम। अब तो हरि नाम लो लागे अब तो हरि नाम लो लागे अब तो हरि नाम लो लागे अब तो सब जग को यह माखन चोरा सब जग को यह माखन चोरा सब जग
जग को यह माखन चोरा सब जग को यह माखन चोरा नाम धरो गिरधर गोपाल की
भक्तिमती मीराबाई के जीवन में कई महापुरुषों का अनुगत्य उनको प्राप्त हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य का जब उनको अनुभव हुआ तब उन्होंने ये पद गाया। महाप्रभु के भक्ति भाव में जब मीराबाई ने गोते लगाए तब का ये पद है, तब का ये भाव है, इसलिए उसी भाव से इसको गाइएगा। मात जसो मती माखन कारण मात यशो मती माखन कारण बांधे जाके श्याम किशोर भयो नव गौरा श्याम किशोर भयो नव गौरा श्याम किशोर भयो नव गौरा श्याम किशोर चैतन्य जाको नाम ओ चैतन्य जाको नाम ओ चैतन्य जाको नाम चैतन्य अब तो हरि नाम लो लागे अब तो हरि नाम पीतांबर को भाव दिखावे कटी कॉपीन कसे कटी कॉपीन कसे हे गौर कृष्ण की दासी मीरा गौर कृष्ण की दासी मीरा गौर कृष्ण की दासी मीरा रसना कृष्ण बसे अब तो हरि नाम लो लागे अब तो हरि नाम लो लागे अब तो हरि नाम लो लागे अब तो हरि नाम
जग को यह माखन चोरा सब जग को यह माखन चोरा नाम धर्यो बैरागी नाम धर्यो बैरागी नटवर नागर कहती मीरा नटवर नागर कहती मीरा गिरधर नागर कहती मीरा नागर कहती मीरा नटवर नागर कहती मीरा नटवर नागर कहती मीरा गिरधर नागर कहती मीरा नटवर नागर कहती मीरा बोलो गिरधर गोपाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की भागवत महापुराण की श्री भक्तमाल जी की सब संतन की सब भक्तन की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की श्याम सुंदर श्री अमुने महारानी की गोवर्धन नाथ की गिरिराज धरणे की जय जय श्री राधे द्वारिका धीश की हरि शरणम परम मंगल में प्रात प्रखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीताम्बरधारी प्यारे श्री गिरधर लाल की महती कृपा से उस नगर में आने का
पुनः अवसर प्राप्त हुआ जो हमारे लाल जी को अति प्रिय है। ये गांधी धाम, अब ताली बजाइए तो जोर से ही बजा दो। हमारे ठाकुर जी के कुछ नगर बड़े प्रिय हैं पूरे भारत में, अब भ्रमण करते रहते हैं, घुमक्कड़ लाला हैं हमारे, पर गांधी धाम उनमें शायद ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और आप लोगों को रिझाने के लिए तो ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, पर ये नगर बड़ा प्रिय है ठाकुर जी को। और उसका कारण ये है कि एक वर्ष भी पूर्ण नहीं हुआ है और ठाकुर जी फिर से यहाँ दौड़े भागे चले आए हैं। पहले तो किसी की कथा स्थगित करा के आए थे, अब तो मानो ऐसा लग रहा है कि गुजरात में कोई भी कहीं भी कथा कराए उसके बाद के 3-4 दिन गांधीधाम ठाकुर जी को आना ही है, ऐसा उनका भाव लगता है। तो आप सब लोगों को सबसे पहले तो बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जय सियाराम, जय श्रीमन्नारायण, प्यारे गिरधर लाल की जय हो। मंच पर विराजमान परम पूज्य ब्रह्मचारी प्रकाशानंद जी महाराज पंचमुखी हनुमान मंदिर से पधारे, आपको बारंबार प्रणाम। साथ ही परम पूज्य लघु महंत भरत दादाजी, आप पूज्य श्री पधारे, आपको भी बारंबार प्रणाम। और जिनका गत वर्ष भी मुझको बहुत स्नेह प्राप्त हुआ, ऐसी हमारी अंजार से पधारी पूज्य माताजी श्री बसुमती जी को भी बारंबार बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान विप्र वृंद, उपस्थित समस्त गंधर्वजन और आप सभी वैष्णव भक्त वृंदों के हृदय में विराजमान हमारे गिरधर लाल को बारंबार प्रणाम। आगंतुक समस्त विप्र वृंदों को प्रणाम और निवेदन, यदि आप सब विप्र वृंद यहाँ मंच पर ही विराज जाएं, सब यहीं मंच पर ही विराज जाएं। प्रेम जी ध्यान रखें, कोई विप्र संत पधारे तो उनको मंच पर ही लिया में। जय हो। जय हो, जय हो। विराज जाए, ये बात में कर रहे हैं, पहले विराज जाओ। आज अनुज जी महाराज भी मंच पे ही विराज, बड़ी कृपा। तो परमानंद का विषय है कि ठाकुर जी की महती कृपा से हमारी गिरधर लाल 6 महीने के अंदर ही पुनश्च गांधी धाम पधारे हैं। मुझे तो तिथि भी याद है, कई बार कथाओं की तिथि याद नहीं रहती, परंतु 15 अप्रैल 2023 को हमारे लाल जी गांधी धाम पधारे और मंगल में वृंदावन रसामृत का सुंदर वाचन हुआ था। विराज जाओ। बहुत आनंद हुआ और सबसे बड़ी बात कि गांधी धाम एक प्रकार से हम उत्तरवासी जो उत्तर भारत में लोग रहते हैं ना, कच्छ की तरफ आना बहुत कम हो पाता है हम लोगों का। गुजरात भी आते हैं तो ज़्यादातर सौराष्ट्र में अपना द्वारिका या फिर सोमनाथ वहाँ तक ही गति होती है, और कोई विशेष कारण से अगर कभी गुजरात आना हो तो बड़े महानगर अहमदाबाद सूरत बड़ोदरा तक ही रह पाते हैं, परंतु कच्छ की तरफ आना बहुत कम हो पाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि औरों का आना होता रहा होगा, मेरा ही पहली बार आना हुआ, लेकिन पहली बार में ही कच्छ की भूमि पर आकर के यहाँ का जलपान करके आप सब लोगों का आशीष प्राप्त करके वो सुख मिला जो शायद गुजरात में पहले भी कई बार आने पर नहीं मिला। अच्छा, एक बात तो है कि गुजरात ने हमको बहुत कुछ दिया,
श्रीमद् भागवत की व्यासपीठ हमको गुजरात में पहली बार मिली, पहली बार भागवत की कथा द्वारिका में हुई, फिर गुजरात की भूमि पर ही सबसे पहली बार राम कथा सोमनाथ में करने का अवसर वो भी इसी वर्ष ही मिला, और इसी गुजरात की भूमि पर वृंदावन रसामृत पद की प्राप्ति हुई, जिसको आज आप तो नहीं पता लेकिन हमारे आप वृंदावन तरफ जाएंगे तो वहां अधिकतर वैष्णव वृंदावन रसामृत का पाठ करके शयन करते हैं, अपने ठाकुर जी के आगे आनंद करते हैं, सप्त निधियों को प्रणाम करते हैं। वो वृंदावन रसामृत भी लिखा गया था गांधी धाम में, यहीं पर ही उसकी रचना हुई, हमारे लाल जी के ने यहीं पर ही प्रेरणा दी, और अपने संपूर्ण जीवन में अभी तक के कथाक्रम में पहली बार भक्तिमती बाई सा श्री मीराबाई जी का चरित्र भी पहली बार गांधीधाम में ही गाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बस विराज बस बस मैं धर दो भैया बस, हाँ बस मैं धर दो। तो ये सुख आप सब लोग देते हैं, निश्चित ही यहाँ के जल में कुछ तो है जो ऐसे भाव दास के अंदर प्रकट करवा रहे हैं या आप सबके भीतर भी प्रकट हो रहे हैं। हमारे इस कथा के आयोजक जो हैं, निमित्त मात्र जिनके भाव प्रकट हुए, ऐसे श्री बाबू भाई हम्बल, ये हम्बल ही होगा हुम्बल, हाँ तो हुम्बल, ये अच्छा वैसे तो इंग्लिश में भी कितना अच्छा शब्द है हम्बल, हम्बल हम्बल मतलब जो बहुत सहज रहता हो, बहुत बहुत डाउन टू अर्थ हो, तो ऐसे हमारे बाबू भाई जी इस कथा के मुख्य आयोजन करता है, और विशेष रूप से प्रेरणा तो उनकी पुत्री के मनस्थ में प्रकट हुई जब प्रथम गांधीधाम में आना हुआ, यहाँ पर वाचन हुआ कथा का, उस भाव से उनका भाव हुआ कि हमें कथा का क्रम रखना है। निश्चित ही आपके उस भाव को लाल जी ने स्वीकार किया और आज ये दिन हम आप सब लोग देख रहे हैं कि ये कथा का प्रारंभ यहाँ हो रहा है। बंधुओं आप सब से प्रार्थना, हम थोड़ी सी ज्यादा ही हिंदी बोलेंगे, गुजराती तो हम पे बिल्कुल ही नहीं आती है, और हिंदी भी थोड़ी कठिन वाली कभी कभी निकलती है, और मीराबाई का चरित्र है तो बीच बीच में थोड़ी ब्रजभाषा भी आएगी, थोड़ी राजस्थानी भाषा भी आ सकती है, तो आप सब लोग कृपा कर ध्यान पूर्वक सुनिएगा, प्रसन्न मुद्रा में बैठिएगा ताकि हमको कहने में सुख मिले। तो बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है और गांधीधाम की भूमि पर पुनश्च आगमन लाल जी का इस बात को सिद्ध करता है कि यहाँ से ठाकुर जी प्रसन्न हैं। हमारे प्रेम जी और किरण भाई जी, इनसे तो मिलना होता ही रहता है मेरा, आप कभी भी मैं गुजरात आऊँ तो निश्चित आते हैं, और कभी भी आप भी जहाँ भी कथा होती है वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही इस कथा का कोई भाव लाल जी ही चाहते होंगे, इसलिए कथा हो रही है, आपके मेरे चाहने से नहीं हो सकता है। तो आओ आज से इस मंगलमय चरित्र को हम प्रारंभ करते हैं, जहां भक्तिमती मीराबाई, कथा का नाम पहले हमारे अभिषेक जी ने रखा था भक्तिमती मीराबाई चरित्र, तो जब मुझे बताया मैंने कहा भाई बहुत बड़ा नाम है, और नाम कुछ ऐसा हो जिसमें ठाकुर जी का नाम भी आवे, भक्तिमती मीराबाई चरित्र, मैंने कहा मीराबाई को स्वयं शायद आनंद नहीं आवेगा, जब तक गिरधर का नाम संग ना जुड़े तब तक उनको भी सुख नहीं मिलेगा, तो फिर नामकरण इस क्रम का हुआ मीरा के गिरधर। अधिकतर जितने भी पद मीराबाई के हैं उनमें भी मीराबाई अपनी छाप ऐसी छोड़ती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मानो यहीं से ही मीराबाई का भाव आप समझ लो, कोई भी व्यक्ति कुछ श्रेष्ठ करता है तो अपनी छाप छोड़ता है, अपने ऊपर श्रेय लेता है, मीराबाई ने जहां भी छाप लगाई है अपने पदों में, अकेली मीरा के नहीं,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के गिरधर। जैसे वृंदावन का नाम सुनते ही कृष्ण याद आते हैं, द्वारिका का नाम सुनते ही कृष्ण याद आते हैं, बद्रीनाथ का नाम सुनते ही कृष्ण याद आते हैं, जगन्नाथपुरी का नाम सुनते ही कृष्ण याद आते हैं, ऐसी बंधुओं हमारी भक्ति हो, हमारा नाम कोई लेवे कृष्ण याद आवे। मीरा का नाम लें तो अधिकतर किसी के हृदय में कोई स्त्री नहीं आती होगी, मीरा का नाम लेने से किसी के चित्त में कोई मानव नहीं आता होगा, निश्चित है मीराबाई का नाम लेते ही सबके चित्त में कृष्ण प्रकट होते हैं। ये भक्ति की सार्थकता है मीराबाई की। कहां कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण प्रकट नहीं होते, लेकिन आप किसी नास्तिक व्यक्ति के सामने कह दो मीराबाई, चित्त में तुरंत कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, उसके चित्त में हृदय में तुरंत ऐसा आएगा श्री कृष्ण की भक्त मीरा। हमारी भक्ति भी ऐसी हो, मीराबाई के नाम से ही हम लोग प्रथम बात सीखते हैं। मीराबाई का जब आप चरित्र सुनेंगे ना बंधुओं, तो मीराबाई के रूप का वर्णन जब किया जाता है तो इतनी सुंदर है मीराबाई, इतना सुंदर स्वरूप है, बिल्कुल कमल जैसे नेत्र, जैसे कहते हैं ना कि ठाकुर जी के अर्चक ठाकुर जी जैसे होते चले जाते हैं। क्यों? ठाकुर जी के अर्चक ठाकुर जी जैसे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका श्रृंगार लालन पालन सब ठाकुर जी ही करते हैं। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, जो ठाकुर जी की नित्य सेवा करते हैं वो ठाकुर जी जैसे ही होने लग जाते हैं, निश्चित है। जो बड़े भाव से ठाकुर जी की सेवा करता होगा वो भले ही रंग से सुंदर ना हो, रूप से सुंदर ना हो, लेकिन फिर भी ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें सुंदरता दिखे ना, वो कहीं ना कहीं से तो सुंदर लगेगा। मीराबाई बहुत सुंदर हैं, परंतु बंधुओं सबसे बड़ी बात मीराबाई की सुंदरता की यह है कि मीराबाई के सौंदर्य को देख करके किसी के हृदय में कोई भाव, सांसारिक भाव उत्पन्न नहीं होता। आप सब लोग समझ रहे हैं मैं कहां अंकित कर रहा हूं। मीराबाई के सौंदर्य को देख करके, उनके रूप माधुरी को देख करके, उनके रूप लावण्य को देख करके कभी किसी के हृदय में सांसारिक भावनाएं उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि मीराबाई का रूप देख करके जिसके हृदय में सांसारिक भाव आए भी होते थे ना, मीराबाई को देख के वो नष्ट और हो जाते थे, ऐसा मीरा का रूप, ऐसा मीराबाई का स्वरूप। कोई कामी क्रोधी लोभी मोही ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता आदि अवगुणों से युक्त व्यक्ति भी होता था ना, तो मीराबाई के स्वरूप को देख करके एक क्षण के लिए उसका वो भाव नष्ट हो जाता था। हमारी भक्ति की सार्थकता यही है, मीराबाई के रूप को देख करके कभी किसी के चित्त में सांसारिक व्यवहार प्रकट नहीं हुआ, मीराबाई के चित्त रूप को देख करके कृष्ण का ही स्मरण होता था, ठाकुर जी की याद आती थी, ऐसी मीराबाई। यहां जितने भी वैष्णव बैठे हैं बंधुओं, मीराबाई के चरित्र को केवल सुनकर के मनोरंजन करके मत चले जाना, मीराबाई से कम ये 2-3 चीजें सीखना। हम भी अपना रूप धारण करते हैं, श्रृंगार धारण करते हैं, हमारे श्रृंगार हमारे व्यवहार हमारे रूप में वो भक्ति दिखे जैसे भक्तिमती मीराबाई की दिखती है। श्रीमद् भागवत में, अच्छा देखो ये तो निश्चित ही है कि भागवत जी तो हम छोड़ने वाले नहीं है। पिछली बार भी जब वृंदावन रसामृत हुआ तो भागवत तो बीच बीच में आई जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मीराबाई को मीराबाई बनाने में सबसे बड़ी सहायक यदि कोई है तो श्रीमद् भागवत। अभी आएगा मीराबाई के चरित्र में सब कुछ पुष्ट होता चला जाएगा। मीराबाई की जो भक्ति है उस भक्ति का स्वयं ठाकुर जी उल्लेख करते हैं भागवत में। जब नवयोगेश्वर संवाद होता है श्रीमद् भागवत में, जहां 9 योगेश्वर राजा निमि को ज्ञान उपदेश देते हैं, तब वहां 9 योगेश्वर क्या क्या कहते हैं वो सब भाव, उन्हीं में ही भक्ति की प्रधानता, भक्ति के स्वरूप बताए गए।
बहुत ध्यान से सुनिएगा, मीराबाई की भक्ति कौन सी और हम लोग कौन सी भक्ति में विद्यमान हैं, पहले ये समझिए। उत्तम, मध्यम और साधारण, तीन प्रकार की भक्ति होती है। उत्तम भक्ति का रूप क्या है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? भागवत मतलब भक्त। उत्तम भागवत का गुण क्या है? तो कहते हैं सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत् भावमात्मनः। नेत्रों के आगे दिखने वाले हर जीव में, हर वस्तु में, हर भाव में श्री कृष्ण विराजमान है, ऐसा दर्शन करता हो। मीराबाई किसी काले व्यक्ति को देखती ना, तो जो काला व्यक्ति जिसकी सब उपेक्षा करते थे, अरे देखो ये तो काला है, अरे देखो ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, मीराबाई जब उसको देखती तो उसके पास चली जाती और उसको देखने लग जाती। काला व्यक्ति या काली स्त्री जो भी होती, वो आके कहती, आप हमको ऐसे क्यों देख रहे हो, सब तो हमारे रूप को देख के इधर उधर भागते हैं, आप हमारे रूप को देखने आई हो। मीराबाई कहती, मैं तुम्हारे रूप को देखने इसलिए आई हूं क्योंकि कृष्ण ने तुम पर कितनी कृपा की है। बोले कृपा, क्या कृपा की मुझ पर? बोले अपना वरण तुमको दिया है, कृष्ण वरण है, श्याम सुंदर भी काले हैं और उन्होंने अपने जैसा वरण तुमको भी प्रदान कर दिया, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बंधुओं, सब में ठाकुर जी को देखने का मतलब यह नहीं है कि जिसको देखो उसी को ही श्री कृष्ण मान के प्रणाम करो, उसी की बलैया लो, उसी को माला पहनाओ। सब में कृष्ण को देखने का मतलब है कृष्ण में अनंत गुण है, उन गुणों को सब में खोजो, सब में देखो। छोटे छोटे बालक कई बड़े ऊधमी होते हैं, तो हम लोग सहज ही बोलते हैं कन्हैया है, कन्हैया जैसा ऊधम मचाता है, बाल कृष्ण है। लेकिन छोटा बालक है इसलिए हमको उसमें ठाकुर जी दिखते हैं, जैसे वो विकार युक्त बड़ा होता है तो उसमें हमको दोष दिखने लग जाते हैं, उसमें फिर ठाकुर जी नहीं दिखते। मीराबाई की दृष्टि ऐसी नहीं है, उत्तम भागवत की दृष्टि ऐसी कि सामने जो दिखे सब में हम गुण ही देखें, सब में हम ठाकुर जी को ही देखें, सब में हमको कोई ना कोई सद्गुण ही दिखाई दे। स्पष्ट श्रीमद् भागवत में लिखा है जो सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत् भावमात्मनः, जो सब में मेरा दर्शन करे और जब मुझको देखे तब मुझ में ही सबको देखे। यही माताजी हैं, यही पिताजी हैं, यही पति हैं, यही पुत्र हैं, यही सखा हैं, यही बंधु हैं, सब कुछ यही हैं जो सामने दिख रहे हैं। ये दो भाव जिसके हृदय में हो वो उत्तम भक्त है। हमारे भीतर हैं ये दोनों भाव? नहीं। अभी अपनी दृष्टि घुमा के अगल बगल आगे पीछे देखो, किसी में आपको ठाकुर जी दिख रहे हैं या ठाकुर जी ऐसा गुण दिख रहा है? नहीं दिखेगा। या फिर ठाकुर जी का दर्शन करने जाओ तो सब कोई ठाकुर जी में दिख जाए, ऐसी भावना भी हमारी नहीं है। तो उत्तम भागवत हम तो नहीं बने अभी। मीराबाई उत्तम है, अभी एक गुण सुना, अभी देखना बहुत सारे गुण बताएंगे, सब मीराबाई में घटते हैं। सबको देखे तो सब में ठाकुर जी, और जब ठाकुर जी को पाले तो सब ठाकुर जी में, ये उत्तम भागवत है। मध्यम भागवत कौन है? मध्यम भक्त कौन है? ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विसत्व च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यकरोति समध्यम। हाँ, उत्तम तो हम लोग नहीं है लेकिन मध्यम हम लोग हो सकते हैं।
मध्यम भक्त का लक्षण क्या है? तो कहते हैं ठाकुर जी से तो प्रेम करे और तद अधीनेषु भगवान के जो अधीन है मतलब भगवान के जो भक्त हैं उनसे मैत्री करे, मतलब भगवान के अधीनों के प्रति भगवत भाव नहीं है, ठाकुर जी अलग हैं भक्त अलग हैं ऐसी भावना आ गई। उत्तम भागवत तो भक्त को भगवान को समान ही मानता। अभी अभी चेतन महाप्रभु को अनुगत्य प्राप्त करके मीराबाई का जो पद था वही हमने गाया, उसमें मीराबाई क्या कहती हैं, कहां तो यशोदा मैया के उखल में बंध जाते हो, कहां तुम माखन चोरी करते हो और यहां पर विरक्त भाव में घूम रहे हो, हे श्री कृष्ण तुम ही गौर चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हो मैं जानती हूं, मीराबाई कह रही। भक्त में और भगवान में भेद नहीं मानता उत्तम भागवत, वो समभाव रखता है। लेकिन मध्यम भागवत भेद मानता है, ये भगवान है ये उनके भक्त हैं, इसलिए मध्यम हम लोग हो सकते हैं उत्तम नहीं है हम लोग, बहुत सावधानी से सुनना। आप लोग कहेंगे मीरा चरित्र कहना ये तो भागवत जी सुना रहे हैं, नहीं, जब तक ये पुष्ट नहीं करेंगे तब तक आपको लीलामृत में कहीं ना कहीं इन्हीं आधार पर ही कथा चलेगी, इसलिए आधार की पूर्ति के लिए ये सुनना तो आवश्यक है। तो ठाकुर जी से प्रेम करे और उनके अधीन रहने वाले भक्तों से मैत्री करे। जो ठाकुर जी के बारे में नहीं जानते उन पर कृपा करे और जो कथा से संबंध नहीं रखते ठाकुर जी से संबंध नहीं रखते उनकी उपेक्षा करे। ये मध्यम भागवत है, उत्तम मध्यम, और तीसरा है साधारण। साधारण भक्त का लक्षण क्या है कि आचार्या मेव हरये पूजाम यः श्रद्धये हते न तद् भक्ते सुचान्येषु स भक्त प्रकृत स्मृत। साधारण भक्त का लक्षण क्या है, तब कहते हैं केवल अर्चावतार के प्रति भाव रखे, ठाकुर जी की मूर्ति पूजा में निष्ठा रखे, उसके अतिरिक्त ना भक्तों में ज्यादा निष्ठा रखे, ना संतों में ज्यादा श्रद्धा रखे, ना ज्यादा उसको सत्संग में रुचि लगे, ऐसा व्यक्ति कौन कहलाता है? साधारण। तो साधारण तो हम नहीं है, उत्तम भी हम नहीं है, लेकिन हाँ मध्यम हम हैं। पर जिनकी लीला सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं, जिनका चरित्र सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं, वो कौन है? वो है उत्तम, वे उत्तम है। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवद भावमात्मन। उत्तम भागवत के फिर कई सारे लक्षण भगवान स्वयं बताते हैं। उत्तम भागवत का एक लक्षण बताते हुए ठाकुर जी कहते हैं नकाम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव वासुदैवैक निलयः सवै भागवतोत्तम। उत्तम भागवत जो होता है वो अपने आप को कोई शरीर नहीं मानता, मैं एक शरीर हूं, इसको नहलाना धुलाना, इसकी मन इच्छा पूरी करना है, इसको ये खिलाओ, इसको वो पिलाओ, इसको ऐसा कराओ, वो अपने शरीर को अपना ना मान के उसकी इच्छा पूर्ति में नहीं लगा रहता, वो अपने शरीर को वासुदेवैक निलय, अपने शरीर को ठाकुर जी का घर समझता है और चित्त के कुंज में श्याम सुंदर विराज रहे हैं, चित्त के कुंज में श्री गोवर्धन नाथ विराज रहे हैं, इस भाव से अपने चित्त के भावनाओं को पूर्त करता है। ये उत्तम भागवत का लक्षण। माफ कीजिएगा, हम इच्छा पूर्ति के लिए जीते हैं, ये खाना है वो खाना, ये चॉइसेस क्यों है हमारी? क्योंकि हम अपने शरीर के लिए जीते हैं। लेकिन जब वैष्णव भक्त हो जाता है उसकी कोई चॉइस नहीं रहती, उसकी उसकी कोई बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है उसके पास में। जो ठाकुर जी को प्रिय है वो उसको प्रिय,
जो ठाकुर जी को भावे वो उसको भावे, ऐसा भाव। भगवान कहते हैं ये उत्तम भागवत का लक्षण। मीराबाई ऐसी ही हैं, साधु महात्माओं को देखती हैं, जैसी देखती हैं विरक्त भेष में घूम रहे हैं, पूछती हैं आप ऐसे विरक्त भेष में क्यों घूम रहे हो? बोले विरक्त भेष में घूमने से ऐसा लगता है, पता चल जाता है लोगों को कि ये साधु हैं, ये ठाकुर जी के भक्त हैं। जैसे कथा आती है हनुमान जी महाराज सीता जी से पूछते हैं आप सिंदूर क्यों लगाती हो, बोले कि इससे पता चलता है कि हम राम जी की गृहिणी हैं, राम जी हमारे हैं। हनुमान जी पूरे शरीर पर सिंदूर लेप के घूमने लगे, बोले केवल मांगी क्यों, मैं तो रोम रोम से बताऊंगा कि मैं राम जी का हूं, पूरे अंग पर सिंदूर लगा घूमने लगे। ठीक वैसे मीराबाई भी राजकीय वस्त्रों में घूमती हैं, लेकिन जब किसी विरक्त भेषधारी संत को देखती हैं तो पूछती हैं आप ऐसे क्यों घूमते हो, आप मेरी तरह क्यों नहीं पहनते राजकीय वस्त्र? बोले अरे तुम्हारे वस्त्रों से पता चलता है तुम राजा की बेटी हो, और हमारे वस्त्रों से पता चलता है हम श्याम सुंदर के दास हैं, वस्त्रों से ही पता चल जाता है हम ठाकुर जी के। मीराबाई बोली तो अच्छा मेरे वस्त्रों से नहीं पता चला आपको कि मैं श्याम सुंदर क्यों, मैं गिरधर क्यों? बोले नहीं तुम तो राजा की बेटी दिख रही हो। बस उसी समय वैरागन वेश धारण किया। मैं गाता हूं जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, ओ जिन भेषा राधा रमण जुरी झे, जिन भेषा राधा रमण जुरी झे, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अब हमारे मंच पर महात्मा विराज रहे हैं, रूप से ही पता चल रहा है कि ये ठाकुर जी के भक्त हैं। अभी अभी ब्राह्मण देवता पधारे, नीचे विप्र देवता विराज रहे हैं, उनकी धोती से, उनके मस्तिष्क के तिलक से, हमारी वेशभूषा से, चाहे लोग नहीं भी जानते हों तब भी आकर के प्रणाम ही करते हैं। कई बार लोग नहीं जानते लेकिन हमारी वेशभूषा देख के केवल प्रणाम करने आ जाते। मैंने कहा आप हमको जानते? बोले नहीं जानते तो नहीं है। मैंने कहा प्रणाम क्यों किया? आपकी धोती से बगलबंदी से लगता है कि आप जरूर पंडित जी हो, आप जरूर ब्राह्मण देवता हो, आप जरूर ठाकुर जी के हो, इसलिए प्रणाम। अरे भेष ही बता रहा है कि हम ठाकुर जी के। यही बात श्रीमद् भागवत में भगवान नवयोगेश्वर संवाद में कहते हैं, जो अपने तन को अपना ना मान के मेरा घर समझे और उसी तरह उस घर को सजावे वो मेरा उत्तम भागवत है। सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी, अरे हाँ मैं वैरागन होंगी होंगी, मैं वैरागन हाँ होंगी, मैं वैरागन होंगी होंगी, मैं वैरागन हो बाला। याद हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो डायरी में लिखते जाना कहीं पे। हाँ उत्तम भागवत जो कि मीराबाई हैं, उनका पहला लक्षण क्या बताया? जो सब में मुझको देखे और जब सबको देखे तब मेरा ही अनुभव करे, सबको मुझ में देखे और मेरे को मुझ में ही सबको देखे, ये पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, जो अपने तन को अपना ना माने, अपने तन को मेरा ही निलय, निलय कहते हैं घर को,
नकाम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव वासुदेवैक निलय सवै भागवतोत्तम। उत्तम भागवत है। तीसरा उत्तम भागवत का लक्षण क्या बताया? तीसरा लक्षण बताया न यस्य कर्म न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते स्मिन अहम भावो देह वही स हरे प्रिय। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी। बोले उत्तम भागवत ना तो किसी जाति का होता है, ना किसी वर्ण का होता है, ना किसी कुल का खानदान का। ये अहम भाव उसके भीतर नहीं होता। मीरा भाई एक उच्च कुल में जन्मी नारी है। राव दूदाजी उनके दादाजी जो कि एक प्रतापी राजा थे, लेकिन उनके यहां रहने के बाद भी एक जगह प्रसंग आता है कि एक संत ने मीराबाई से परिचय पूछा कि मीराबाई तुम्हारा परिचय क्या है। जानते नहीं थे, छोटी सी मीराबाई 4-5 वर्ष की आयु, तो संत ने पूछा अपना परिचय बताओ तुम कौन हो। तो मीराबाई कहती हैं संत जनों के परम उपासक, ब्राह्मणों के चरणों में जिनकी सदा निष्ठा रहती है, ऐसे चतुर्भुज भगवान के परम कृपा पात्र जन्य श्री राव दूदाजी की नातनी हूं मैं। उन्होंने यह परिचय नहीं दिया कि राठौड़ वंश के राजा हैं, मेड़ता के राजा हैं, आदि आदि क्षेत्र के राजा हैं, इतने इतने योद्धा रहे हैं, इतने बड़े विजयी पुरुष हैं, ऐसा कुछ परिचय नहीं दिया। राजकीय परिचय नहीं दिया, ऐश्वर्यवंत परिचय नहीं दिया अपने दादाजी का। परिचय क्या दिया कि संतों के ब्राह्मणों के परम उपासक राव दूदाजी की मैं वंश में उत्पन्न हुई एक बालिका हूं, मेरा नाम मीरा है। संत इसी बात से ही प्रभावित हो गए। वाह, एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं राजा के कुल में जन्मी। एक हर परिचय में क्या कहा कि संतों के चरणों के उपासक, ब्राह्मणों के उपासक, उनकी मैं नातनी मीरा भाई। तो नयस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी। जो अपने ऊंचे कुल में जन्म लेने से, ऊंचे वर्ण में जन्म लेने के अहम भाव से सदा विलग रहता है, अहम भाव जिसके हृदय में नहीं होता, ठाकुर जी कहते हैं वो उत्तम भागवत, वो मेरा प्रिय है। अच्छा, उत्तम भागवत का एक और अर्थ यदि कर दें तो हम आप सब लोगों को हरि प्रिय लगते हैं, लेकिन उत्तम भागवत वो होता है जिसको, जो हरि को प्रिय लगता है। आप मीराबाई के रूप में ऐसा नहीं कह सकते कि उनको गिरधर नागर प्रिय लगते हैं। आप ऐसा कहो कि गिरधर को वो प्रिय लगती हैं। ठाकुर जी तो सबको प्रिय लगते हैं, लेकिन मीराबाई ठाकुर जी को प्रिय लगती है। ब्रज की गोपियां ठाकुर जी को प्रिय लगती हैं। इस प्रकार बंधुओं उत्तम भागवत के कई सारे लक्षण बताए, आज 3 ही सुनो, और भी बताएंगे। और मीराबाई में सब ये गुण लक्षण ढूंढना और धीरे धीरे हमें आवे ऐसा विचार करना। भक्तिमती मीराबाई, मीराबाई अपने पूर्व जन्म में बंधुओं एक माधवी नाम की गोपी थी। एक बात सदैव याद रखना, जब तक विरह व्याप्त जीवन में नहीं होगा ना, तब तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो सकता। ठाकुर जी को जीवन में प्रकट विरह ही करेगा। भक्ति में विरह नहीं आया, ठाकुर जी प्रकट नहीं होंगे। मीराबाई का विरह बहुत बड़ा है। हम लोग सुनते हैं पूरा जीवन उन्होंने विरह सहा, पूरा जीवन नहीं बंधुओं, पूरे एक युग तक मीराबाई ने विरह सहा है। माधवी नाम की गोपी है मीराबाई। नन्हे से गोपाल जी, अपने द्वापर युग की कथा, पहले पूर्व जन्म की कथा सुने मीराबाई की। ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालों के साथ में आनंद करते हैं। सब ग्वाल बालों के साथ में ठाकुर जी नन्हे से गोपाल जी खेल रहे थे।
मधुमंगल श्री दामा आदि ये सब तन सुखा मन सुखा धन सुखा ये सब ठाकुर जी के सखा हैं। बहुत ध्यान से सुनो, ये सब सखा हैं ठाकुर जी के। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे, सो ठाकुर जी का सखा श्री दामा बीच खेल से ही जान लगो। ठाकुर जी बोले, अरे भैया कहां को जा रहे हो? लाला मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूं। ठाकुर जी तुरंत पहुंच गए श्री दामा के पास, हाथ पकड़ लियो। बोले, ससुराल जी कौन सा काम है भैया? ब्रजभाषा समझ में आ रही है? हैं? देखो भैया, आप सब लोग अधिकतर यहाँ अहीर समाज के लोग बैठे, आप सब लोग ब्रज से ही हो, आपके सब पूर्वज ब्रज के ही हैं, ब्रज भाषा तो समझ में आनी चाहिए, आपके द्वारे का देश की भाषा है। ठाकुर जी बोले, भैया ए श्रीदामा जे कौन सो गांव है ससुराल? श्रीदामा बोलो, अरे बाबड़े ससुराल गांव ना होवे। बोले, तो फिर का होवे ससुराल? बोले, ससुराल होवे ब्याह हेवे के बाद में, एक नहीं दो घर है जाए, एक तो होवे अपनी मैया को घर, पिता को घर, और एक होवे पत्नी के मैया पिता को घर, वाकू के हैं ससुराल। ठाकुर जी बोले, तेरी बात मेरे पल्ले ना पड़ रही लाला, अरे ससुराल कहा होवे मुकु जल्दी बता। बोले, अरे ससुराल मतलब पत्नी को माय को। ठाकुर जी बोले, पत्नी जे पत्नी कौन होवे भैया? श्री दामा समझा रो है, अरे लाला तू तो बड़ो बोरो है, नेक बड़ो है जाएगा तो तेरो ब्याह है जाएगा, तेरी पत्नी आ जाएगी। ठाकुर जी बोले, मेरी पत्नी आवेगी? बोले, हम बे तो फिर मेरो ससुराल कहां है? श्री दामा बोला, मौका पर तो तेरो ससुराल कहां है, जब ब्याह होगा तब पता चलेगी तेरो ससुराल कहां है। अब तो ठाकुर जी हट करने लगे, बोले, ना मेरो ससुराल बता, मेरो ससुराल कहां है? श्री दामा बोलो, अरे अपनी मैया तो जाके पूछ ले, तेरी मैया बता देगी तेरो ससुराल कहां है। ठाकुर जी खेलते कूदते आज घर आए, यशोदा मैया रसोई घर में प्रसाद सिद्ध कर रही है। ठाकुर जी आके गोद में बैठ गए, बोले, मैया मेरो ससुराल कहां है? अब तो जैसे ही मैया ने सुनी मेरो ससुराल कहां है, लाला बोल लो। मैया बोली, लाला ये कहां से सीख आयो? बोले, आज मैया मैं खेल रहे हो तो श्रीदामा अपनी ससुराल गयो, तो वो बोलो मैं ससुराल जा रहा हूं, तब से मेरे मन में आ रही मेरो ससुराल कहां है। मैया बोली, ससुराल लाला जब ब्याह है जाएगा तब आएगा ससुराल। बोले, जय श्रीदामा कह रहो, मेरो ब्याह कब होएगा मैया? बोले, अरे अभी तू बड़ो तो है जा लाला, तू पे मोह दोनों आवे ना, मैं खवाऊं तो खावे, मैं चलाऊं तो चले, मैं उठाऊं तो उठे, मैं नहाऊं तो नहावे। जब बालक बच्चे सब अपने आप अपने कामन को करन लगे तब उनको ब्याह कर दियो जाए, तब उनके काजे बहू आवे, तब ससुराल होवे। ठाकुर जी बोले, मैया मैं सब काम कर लूंगा अपने आप, तू मेरो ब्याह करा दे और मेरे काजे बहू लिया। मैया बोली, नेक बड़ो तो है जा लाला, कहां ते लाऊं तेरे काजे बहू? ठाकुर जी बोले, या तो मेरे काजे बहू ला, नहीं तो श्रीदामा अपनी बहू ला रहो, बाकी बहू को मैं ले आऊंगो, वो बहू मेरी है जाएगी। मैया जोर से हंसी, बोले, लाला तेरी बात ऐसी ऐसी बात बनावे बैठो बैठो। मैया बोली, करा दूंगी तेरो ब्याह, ज्यादा चिंता मत करे। अब तो ठाकुर जी रोन लगे, मैया मेरो अभी ब्याह करा, अभी ब्याह जाऊंगो मैं तो, अभी ब्याह करूंगो। यशोदा मैया परेशान है गई, बोले, लाला चल करा दूंगी तेरो ब्याह, अब रोवे मत। बोले, कब करावे की तिथि बता मोकु, तिथि बता, दिन बता, समय बता, सब बता, तब ही जाऊंगा यहां ते। यशोदा मैया तो ऐसी परेशान भाई। ऐसे हमारे नन्हे से गोपाल जी बहू की और ससुराल की आस में बैठे, श्री दामा को ब्याह माधवी गोपी से भयो, माधवी सखी से भयो। माधवी आज श्री दामा माधवी को लेने के लिए ससुराल गए, ससुराल से जैसे ही माधवी आन लगी सो मैया ने पढ़ा दी माधवी,
और पढ़ा लिखा करके भेजी, बोले देख तू अपने ससुराल जा रही है, जमाई राजा लेवे आए हैं, लेकिन ध्यान रखियो, याद रखियो, ससुराल में सबको सम्मान करियो, सबको आदर करियो, सबसे प्रेम से रहियो। मैया खूब सिखा पढ़ा के भेजी अपनी बहू को, लेकिन तेरे पति को एक सखा है, वाको नाम कृष्ण है, बस वा से सावधान रहियो। चौमैया वा से सावधान क्यों रहूं मैं? बोले अरे मैंने सुनो है वो कन्हैया जाकू अपना रूप दिखा दे, जाकू एक बार अपनी तिरछी नजर से देख ले, वाको फिर गृहस्थ आश्रम गृहस्थ जीवन बर्बाद है जाए, वो फिर भाई को देखतो रे, वाके रूप में कछु जादूगर है, वो जाकू देख ले, वाकू अपनो बना ले, फिर वो अपने पति को ना रहे, वही को है जाए। मां की बात सुन करके माधवी घबरा गई, बोले ऐसो कैसो है कि पति छूट जाए वासे? बोले यही मारे मैं कह रही हूं, तू सब कछु करियो लेकिन तू मुँह को वचन दे के जा, वाह वाह कृष्ण को अपनो मुख मत दिखाइयो, चाहे तो कुछ जीवन भर घूंघट करके रहना पड़े लेकिन कृष्ण को मुख मत दिखाइयो। माधवी बोली मैया मैं वचन दे के जा रही हूं, वह कृष्ण को मुख नहीं दिखाऊंगी। श्रीदामा माधवी को लेकर के ब्रज जा रहा है। श्रीदामा पहले ही माधवी से चर्चा करते आ रहो रास्ता भर, सो श्रीदामा ने कही, बोली अरे सुन ब्रज में अभी मैया मिलेगी, पिताजी मिलेंगे, सब मिलेंगे, सबके संग फिर बोलो, मेरो एक सखा है कृष्ण, वाकू जब से मैंने बताई ससुराल के बारे में, ब्याह के बारे में, तब ते बड़ा उतावलो है, तो है सके वो तो से मिलवे आवे तो वाकू अपना मुख दिखाई दियो। मीराबाई ने जैसे ही कृष्ण को नाम सुनो महाराज, माधवी ने जैसे ही कृष्ण को नाम सुनो, आधे रास्ता में ही घूंघट कर लियो, बोले वहां से ही तो बचवे के काजे मैया ने कही है, वाकू मुख नहीं दिखाऊंगी। बंधुओं, संसार में जिससे मुख छुपाना चाहिए हम उसको तो दिखाते हैं, और जिससे कभी नहीं छुपाना चाहिए उसी से छुपाते हैं। संसार के विषय भोग विलास आदि इन सबके आगे हम अपने आप को प्रत्यक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, और ठाकुर जी की भक्ति ठाकुर जी के भाव में सदैव गोपनीय रखते हैं, सदैव अपने आप को पीछे रखते हैं। ऐसा क्यों? कथा का नाम सुनकर के रसिक जन आते हैं, ठीक है अच्छा आप लोग भी पधारे हो, पर यहीं कोई ऐसी लीला होने वाली होती जिसमें थोड़ा मनोरंजन हो तो भीड़ ज्यादा होती है। कथा ही तो है, मीराबाई का चरित्र तो सुनाएंगे, क्या करना सुनकर के? नहीं, ठाकुर जी से संबंधित कोई भी बात हो उसमें तो बढ़कर के आगे आओ, बढ़कर के आगे भाग लो, उसमें चिंता मत करो। मीराबाई ने अपना मुख छुपा लियो, माधवी ने जैसे ही वृंदावन पहुंची बैलगाड़ी, सखान ने जाके ठाकुर जी को बता दी, अरे अरे लाला देख श्रीदामा आगो, अपनी ससुराल से आगो, अपनी बहू लेके आयो है। अब तो ठाकुर जी व्याकुल है, बोले बहू आई है, मैं भी तो देख के आऊं कैसी बहू होवे, कहां थे, कैसी ससुराल थे, कैसे आमे, कैसे कहा होवे। ठाकुर जी तो इतने उतावले हो गए महाराज, पहुंच गए बीच रास्ता में, अरे भैया श्रीदामा आ गयो? बोले हाँ आ गयो लाला, कहां है तेरी बहू, कहां बैठी है? बोले पीछे बैठी है। बोले अच्छा मुख मुख दिखाई दे? बोले तू देवर है, वो तेरी भाभी है, भैया खुद ही देख ले। जैसे ही रथ रुका, माधवी भीतर से सुन रही थी कि कृष्ण आ गया है, माधवी ने घूंघट कर लियो, आसपास सौल आदि और पड़ी, वो भी ऊपर से डाल ली, मुख मोड़ करके बैठी है, कहीं से भी मुख दिख नहीं जाए, एक अंग भी मेरो दिख नहीं जाए, मेरो पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं है जाए, मेरी मैया ने मुझसे कही कि जो वाकू देख ले या वाकी नियंत्रण में आ जाए वो कभी जीवन भर अपने पति की ना रह पावे, वाकू मुख नहीं दिखाऊंगी। ठाकुर जी भीतर पहुंच गए, श्याम सुंदर बैठे हैं सामने, माधवी से कह रहे हैं, अरे श्रीदामा की बहू नेक हमऊ तो दिखा तेरो मुख कैसो है, अरे नेक दिखाए दे।
मेरी मैया ने तो, मैंने तो मैया से कही मैं श्रीदामा की बहू ले जाऊंगो, मैं तो तू को ले जावे बारो, लेकिन मैया ने मुझसे कही है कि वो मेरा ब्याह कराई देगी। मैं तो ब्याह कर लूंगो, मेरी वो बहू आ जाएगी, लेकिन एक बार देखूं तो सही बहू होवे कैसी है, नहीं दिखाए दे। मीरा भाई तो और छुपावे, मुख नहीं दिखावे ठाकुर जी को। ठाकुर जी कभी पाम पकड़े, पाम पकड़े सो इधर को है जाए, नेक ठाकुर जी बगल में आमे सो इधर को भाग जाए। खूब देर ठाकुर जी मनोहार करते रहे, लेकिन माधवी ने अपना मुख नहीं दिखाया। थोड़ी बहुत देर तो ठाकुर जी मनोहार करते रहे, जब माधवी ने मुख नहीं दिखाया सो ठाकुर जी बोले, देख तू मोसो अपना मुख छुपाए रही है, तो है ना पतो मेरो मुख देखवे के काजे सब तरस है, सब तड़फ है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा ज्ञानी हिमालय पर जाकर के तपस्या करें, तब जाके मेरो मुख दिखे, और तेरे सामने प्रत्यक्ष बैठा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, पाम पर रहा हूं, तब वो अपना मुख नहीं दिखा रही है। जा तड़पेगी तू मुंह को देखवे के काजे, तरसेगी, व्याकुल रहेगी जीवन भर। माधवी ने मानो ऐसा इशारा किया कि मोह देखवे की जरूरत ना है, मोह तड़पे की जरूरत ना है, चले जाओ यहां से। ठाकुर जी निकल के बाहर आए, बोले अरे श्रीदामा, मोह तो लगे तेरी बहू भेड़ी दिखे, बाकी आंख कमजोर, बाकी एक आंख तो काणी है। श्रीदामा बोलो नहीं तो, बोले तो नाक टेढ़ी है, बोले नहीं तो, बोले होठ कटे हुए हैं, बोले नहीं तो, बोले दिखाई ना रही, ऐसे मोह छुपा रही है जैसे कितनी कुरूपणी है। कोई बात ना श्रीदामा, मेरी बहू आवेगी, मैं तो क्यों नहीं दिखाऊंगा, ले जा अपनी बहू है। माधवी चली गई, अपने घर आ गई। लेकिन बंधुओं, गोविंद दामोदर स्तोत्र में कहते हैं ना, ग्रहे ग्रहे गोप वधु कदंबा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योग्यम, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। ब्रज में तो और कुछ होता ही नहीं है, हर घर में केवल कृष्ण की चर्चा चलती रहती है। सुबह उठने से लेके रात्रि सोने तक केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण ने ऐसो कियो, कन्हैया ने ऐसो कियो, अरे आज तो नंद को लाला वहां घूम रहो, अरे आज तो नंद को लाला वहां डोल रहे हो, सब जगह यही चर्चा। अब माधवी सोचे ही इन पे और कोई बात ही नहीं है, अगल बगल की सब गोपियां, पूरे घर गृहस्थी की कोई बातचीत नहीं, बस पूरे दिन वो नंद को लाला ऐसो करे, नंद को छुरा ने आज तो ऐसो कियो, अरे आज तो माने ऐसो कियो, पूरे दिन वही की चर्चा। अब माधवी कहे किससे, अपनी सास से कहे, अगल बगल की गोपियों से कहे, बोले तुम लोगन पे और कोई बात ना है, कभी बैठ जाओ, कहीं चले जाओ, 24 घंटा या कृष्ण 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 वही की चर्चा करते रहो, और भी तो कई बातें गृह गृहस्थी की कर लो भैया, ये 24 घंटा कन्हैया। एक गोपी बोली, अरे ये नई नई आई है का अभी ब्रज में, बोले हम बे अभी नहीं आई है। वो कितने दिन आए गए, बोले तीन दिन है गए। वो तीन दिन है गए, एरी गोपी, एरी माधवी, तेने कन्हैया देखो अभी तक, या कन्हैया की दृष्टि पड़ी तो पे। माधवी बोली, मैं नहीं दिखाऊंगी वाकू अपना मुख, मेरी मैया ने मनाए करके भेजो है कि वाकू मुख दिखावे से यही स्थिति है जाए जो तुम लोगों की, अपनी पति की चर्चा ना करो, वह नेक से कन्हैया की चर्चा कर रही हो, मैं तो ना दिखाऊंगी वाकू मुख। गोपियां सब बोली, यही मारे तेरे मुख से वाक्य काजे ऐसे दुर्वचन निकल ले, अभी तेने वाको मुख देखो ना है, अभी तेने वाको रूप देखो ना है, यही मारे ऐसे बोल रही है। अरे जाद ना वो छवि दिख जाएगी ना, जाद ना वो मोहनी मूरत सांवनी सूरत तेरे चित्त में बस जाएगी ना माधवी, तू भी हमारी तरह वही की चर्चा करेगी। माधवी मन में सोचती भी है, ऐसो कहा है वाक्य रूप में जो और कोई चर्चा ना आवे चित्त में। बंधुओं, अष्ट सखा गाते हैं, सबने गाया, किसने नहीं गाया,
कैसो है ठाकुर जी को रूप, श्री कुंभनदास जी कहते हैं अपने एक पद में, नैना पलक लागे नहीं रूप देखे। अरे माधवी, वह कन्हैया को रूप कैसो है? बोले नेत्रन से जब वो सामने दिखेगा ना, तो जैसे पलक मानो झपकनो अपने आप को भूल जाएंगी, ये पलक नीचे आनो भूल जाएंगे। आज हम संसार की कोई वस्तु देखें तो पलक ना जाने कितनी बार झपके, हमें खुद को पता ना चले। बोले श्याम सुंदर जब नेत्रन के सामने आएंगे तो पलक भी भूल जाएंगे कि हमको झपकनो है, ऐसो रूप है वाको। गोवर्धन के अंग अंग प्रति निरख नैन मन रहत नहीं। अरे वाको, एक एक अंग ऐसा है कि एक अंग को देखेगी तो वर्षों तक एक ही अंग को चिंतन चलता रहेगा। ऐसा ना है कि एक बार मैं नेत्रन को भी देख ले, मुख को भी देख ले, कानन को भी देख ले, हाथ भी देख ले, पाम नहीं, एक बार में एक ही अंग दिखेगा और वही कोई चिंतन चलता रहेगा। कहरी कहो कछु कहत ना आवे, चुत चुरायो वे मांग दही। कहा कहूं वाक्य रूप को वर्णन ना कर सकूं। माधवी बोली ऐसो काय वाक्य रूप में? बोले वर्णन को विषय ना है, कोई बता ही ना सके। अरे कितनों बड़ो वक्ता आ जाए, वाक्य रूप को वर्णन कोई ना कर सके। कुंभन दास प्रभु के मिलवे की, कुंभन दास प्रभु के मिलवे की, सुंदर बात सखियन सो कहे। नैन पलक लागे नहीं, ऐसा रूप है वा कन्हैया को। अब तो माधवी पतो चल जाए या गली में कन्हैया है तो वह गली में ना जावे, पतो चल जाए कि यहां से अभी गुजरे तो वहां नहीं जावे, हर जगह से अपने आप को बचावे। लेकिन मैं अपनी कथा में कहा करता हूं बंधुओं, 5000 साल पुरानी बात नहीं, आज भी वृंदावन आपके भीतर पंच रसों से कृष्ण को प्रवेश कराता है। आज भी देखोगे तो श्री कृष्ण दिखेंगे वृंदावन में, कहीं नहीं तो दीवारों पर दिख जाएंगे, कहीं नहीं तो कहीं भी दिख तो जाएंगे। आंख बंद कर लोगे तो कानों से नाम के रूप में प्रवेश कर जाएंगे, कान भी बंद कर लोगे तो जीव से जो भी पा रहे हो वो सब प्रसाद ही है, वृंदावन में सब भोग ही है, तो रूप रसना के रूप से प्रवेश कर जाएंगे। मुख से कुछ खाओगे नहीं, नेत्रों से देखोगे नहीं, आंखों कानों से सुनोगे नहीं, तो नासिका से प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि वृंदावन में जितनी हवा बह रही है वो भी राधा रमन, राधा वल्लभ, मां के बिहारी, मदन मोहन, राधा दामोदर, सबके चरणों का स्पर्श करके बह रही है। कहां तक बचोगे? वृंदावन पहुंच गए, वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर गए, भजन आपका तब से शुरू हो जाता है। सांस लेना भी भजन है वृंदावन में, क्योंकि हवा में भी कृष्ण तत्व है। माधवी कहां तक बचाए अपने आप को? मैया ने कही मुख मत दिखाइयो, अरे मुख तो मैं खूब छुपा रही हूं लेकिन कानों से भी कृष्ण कृष्ण, जहां बैठ जाऊं कहीं भी ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां कृष्ण की चर्चा नहीं होती। माधवी तो अब तो ये स्थिति हो गई कि रात में सपने में भी उसको ठाकुर जी के अनुभव होते हैं, मुख नहीं दिखता क्योंकि देखा तो कभी है नहीं, लेकिन इतना सुन लिया है कि उसको अनुभव हो गया है कि चरण ऐसे हैं, हाथ ऐसे हैं, चाल ऐसी है, मुस्काते हैं तो ऐसे, फिर उठ जाती है, मुख से पानी धोती, पानी से मुख धोती है और फिर विचार करती है, सोऊं भी तो कैसे, नींद में भी तो वही दिख रहा है, कहां तक बचूं मैं। माधवी की स्थिति 24 घंटे चिंतन में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। एक दिन परेशान हो गई, रात्रि में सो गई, कानों में रुई लगा ले तो भी क्या, चिंतन में तो वही चल रहा है, कहां तक बचे। रात्रि में सोई थी,
आज मानो मीराबाई को ऐसा लगा कि सुबह हो गई है और तुरंत उठ करके हाथ मुंह धो करके माधवी ने मटका उठाया, यमुना जल भरने के लिए निकल पड़ी। उसको लगा समय हो गया है यमुना जल भरने का। सब गोपियां साथ में जाती थीं यमुना जल भरने के लिए, लेकिन मीरा आज माधवी समय से पहले ही उठकर के चली गई। उसको लगा कि समय हो गया है और पहुंच गई यमुना के तट पर। तट पर जाकर के देखा अभी तक कोई भी नहीं, अकेली मैं, बाकी सब कहां चली गई। हो सकता है मुझे विलंब हो गया हो या मन में भाव आया मैं जल्दी आ गई हूं तो कोई बात नहीं भर लेती हूं, आई गई हूं तो। अकेली है यमुना के तट पर माधवी। जैसे ही यमुना जल भरने लगी मटके में, रोज उठा के लेके जाती है खुद ही, लेकिन आज मटके में जल जैसे ही भरा उठाया तो उठे ना, भार भर गया है, भारी हो गया है। अब तो लगी है उसको उठाने में, कभी खूब प्रयास करती है, खींचती है, आसपास देखती है कोई आ जाए कोई आके उठवा दे। इतने में ही बांकी अदा से अपनी चाल चलते भय, त्रिभंग लली श्याम सुंदर, कमल कटाक्ष नेत्र हैं, सुंदर दंतावली चंदन की सुगंधि से आच्छादित करते हुए मार्ग को पहुंच गए यमुना के तट पर। माधवी आसपास देख रही है कोई कोई दिखे तो आवे उठवावे, तभी दृष्टि पड़ी श्याम वर्ण नन्हे से श्याम सुंदर छोटो सो बालक। माधवी ने देखा तो था नहीं उनको, देख करके लगा अरे पता ना कौन सी गोपी को छोटो सो सुंदर सो बालक सवेरे सवेरे यमुना के तट पर घूम रहा है। मीराबाई ने तुरंत आवाज दी, अरे ओ लाला, अरे ओ भैया, नेक आइयो, इतकू आइयो। ठाकुर जी कूदते फांदते अपनी चंचल अदा से कभी यहां देखें कभी वहां देखें, ऐसी मधुर मुस्कान उनकी, पहुंच गए माधवी के पास। एक बार को तो मानो जैसे देखती रह गई माधवी, लेकिन मन में ये एक बार भी नहीं आया कि ये वही तो नहीं है जिसके जिससे बचना चाह रही हूं। नन्नो सो बालक है, चंचल सोया को बदन है, जरूर कोई गोपी को छोरा होगो। मटकी रखी है और माधवी ने कही, अरे लाला तूने किए जल की भरी यमुना जल की भरी मटकी ने उचाए दे, मुंह पे उठना है रही है, बहुत भारी है गई है। ठाकुर जी इशारों करके बोले हाँ मैं उठवाए दूं। अब भाई जैसे मीराबाई उठान माधवी उठाने लगी, ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजान को वामे मानो जैसे एक भाव जैसो दियो, सोई मटकी उठ गई। अब मटकी तो उठी, ठाकुर जी नेक से नेक उठा के इतनी ऊपर तक कर देते, लेकिन ज्यों ज्यों मटकी उठाई ठाकुर जी त्यों त्यों लंबे होते चले गए और बिल्कुल मीराबाई के सन्मुख खड़े है गए। उचाई करके जैसे ही मटकी शीश पर धारण कराई, शीश पर मटकी धारण करते ही माधवी ने अपने नेत्रन से सामने देखो और जैसे ही सामने देखा आहा, वरहा पीडम नटवर वपु कर्ण यो कर्ण कारम विभ्रदवास कनक कपि संवै जयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु वधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। दोनों भुजा से मटकी पकड़ रखी है, नेत्रों से सामने श्याम सुंदर को देख रही है, मुख खुला हुआ है, प्रश्वेत के बिंदु माथे से नीचे गिर रहे हैं और अचेत अवस्था में मीराबाई उनके रूप को देख रही है, माधवी उनके रूप को देख रही है। ठाकुर जी के नेत्र ही तो खतरनाक हैं सबसे ज्यादा, एक बार दृष्टि पड़ जाए तो फिर कोई और के रह नहीं पाओगे। मेरे मन में बंधुओं आता है कि हम ठाकुर जी के दर्शन करके
पुनः सहज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने उनको देखा, उन्होंने अभी हमको नहीं देखा। कभी ठाकुर जी ने यदि हमको देख लियो ना, तो एक बार उनके सामने जाके फिर सहज नहीं हो पाओगे, फिर अन्यत्र कहीं मन लग नहीं पाएगा। मीराबाई माधवी अचेत खड़ी है, ठाकुर जी से जितनों बचनों चारे ही ठाकुर जी ने उतने सबरे अपने बाण मार दिए, नेत्रन से कटाक्ष मार दी, मधुर मुस्कान कर दी, अपने रोम रोम को दर्शन कराए दियो। महाराज अब तो माधवी की स्थिति एक एक जड़वत कोई मूर्ति जैसे खड़ी रहती है, ऐसे खड़ी है। गोपियों ने एक ही दिन पहले ही बताया था कि वो दिख जाता है तो क्या होता है, वही हो गया। अब ठाकुर जी तो अपने सैन चला करके वहां से भाग गए। समय हुआ उन गोपियों के आगमन का जो यमुना जल रोज भरती थी, जैसे ही आई आकर के देखा अचेत अवस्था में अभी भी ऐसे ही खड़ी है माधवी। सबने आए करके देखो, अरे ये तो हमारी माधवी है, अरे ऐसे कैसे खड़ी है भैया, अरे सांप सूंघ गयो का है गो, ये तो ऐसे मूर्तिमान थे के खड़ी है। कोई हाथ पकड़े, कोई पाम पकड़े, कोई मुख को खेचे, थोड़ी हिलावे, लेकिन बिल्कुल मूर्तिमंत, नेत्रों से केवल दो अश्रुबिंद गिर रहे हैं, आंखें पलक झपक भी नहीं रही हैं, मानो केवल देह खड़ा हो, चित्त वृत्ति तो ले गया अपने साथ खड़ी। एक गोपी बोली, अरे का है गो, कोई ने टोना कर दियो का, कोई ने मंत्र फूक दियो का। एक गोपी मंद मंद मुस्काए के बोली, बोले कहीं ऐसा तो ना है नंद जी को छोनाया ने देख लियो होए। अरे जो ज्यादा वासे बचवे को प्रयास करे वो वही कोई पकड़े। ये बहुत घूमती ना, वाकू नहीं देखूंगी, वाकू मुख नहीं दिखाऊंगी, वासे वाकू वाक की तरफ नहीं करूंगी, मुहे लगे कहीं वही ने तो याके याकू अपनो दर्शन ना करा दियो। एक गोपी यमुना जल भर के लाई और जल का छिड़काव, खड़ी हुई है मीराबाई, ऐसा नहीं अचेत पड़ी है, सांस भी चल रही है, नेत्र भी खुले हैं, बिल्कुल सचेत है, बस मूर्तिमंत है। पानी का छिड़काव किया, मुख पर जैसे जल मारा तब मानो जैसे रुकी हुई श्वास आई हो और जल पड़ते ही मूर्छित होकर के गिर पड़ी माधवी। जल का छिड़काव किया, पैरों को मलना शुरू किया, हाथ दबाए, तब जाकर के चेतना आई और चेतना आकर के उठते ही बोली, वो कहां है, वो कहां चला गया, उस सांवरो सो कटाक्ष नेत्र, अरे कोई गोपी को बालक आयो, इतनो सुंदर, इतनो सुंदर, और बार बार बोलते बोलते मूर्छित हो जाए, फिर चेतना आवे, फिर मूर्छित हो जाए, फिर चेतना आवे, फिर मूर्छित हो जाए। सब गोपियां चिंतित नहीं मुस्कुरा रही हैं। अब जैसे ही माधवी चेतना में आई, आते ही बोली, तुम सब मुस्कुरा रही हो, मेरी स्थिति तो देखो, मुझको ज्वर चढ़ रहे हो है, मुझसे चलो ना जा रहो, मुझसे उठो ना जा रहो, मेरी स्थिति ऐसी क्यों है रही हो, तुम सब मुस्कुराई रही हो। तब एक गोपी बोली, तेने कोई और को लाला ना देखो, तू जासे बचवे को प्रयास कर रही ना, वही आयो तेरे पास, वही नंद नंदन, वही श्याम सुंदर, वही हमारी यशोदा जी को लाला, वही तेरे खसम को मित्र कृष्ण, वही आयो। मीराबाई माधवी अब तो बेचैन हो गई, मैं कहां करूं, कहां जाऊं, मुझको घबराहट है रही है, मैं मुझसे उठो ना है जा रो, मुझसे चलो ना है जा रो, मैं बोल भी ना पा रही, बार बार अचेतना है रही है, कछु करो ना। सब प्रकार के प्रयास किए, लेकिन माधवी कहे, नहीं अब तो एक ही उपाय है कि वाके सामने मुझको ले चलो, मुझको दिखाए दो, वाको रूप दिखाए दो। बंधुओं, कृष्णदास जी सही कहते हैं,
सजल श्याम घन वरण लीन है फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर बंधुओं। माधवी मीरा इनके चरित्र को सुन तो रहे हम, पर ये स्थिति होना असंभव है, पर जिसके संग भी होती है ना उसको ब्रह्म सुख जैसा लगता है। माधवी कह रही है मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन कष्ट अनुभव ऐसा है भी नहीं कि मुझे कष्ट हो रहा है। सांसारिक देह की स्थिति पूछो तो मैं कष्ट में हूं, पर मेरी अंतरात्मा से पूछो तो मैं ब्रह्म सुख में हूं, मुझे आनंद आ रहा है, मुझे छेड़ो मत, रहने दो इसी अवस्था में। ऐसी स्थिति हो गई माधवी की। मेरो मन गिरधर छवि पे सुनो, नेत्र बंद करके अपने चित्त में ठाकुर जी का स्मरण करो, दिव्य झांकी का अनुभव करो, और संग संग गाओ, मधुर भाव से गाओ, ठाकुर जी को याद करके गाओ। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। हो ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंग त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चिबुक चारु गड़ी ठट सजल श्याम घन
भाइयों, जैसा मैं कह रहा हूं और जैसा हम अभी माधवी जी के चरित्र में सुन रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। ठाकुर जी यदि चित्त में एक बार विराज गए, ठाकुर जी ने यदि हमको दृष्टि से कभी देख लिया, फिर चित्त अनंत न भटक्यो, फिर चित्त कहीं और लगी नहीं पाएगा। इसलिए भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना, या तो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ना नहीं, और यदि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने लगो तो इस बात को पहले ही समझ लीजिए कि फिर संसार के नहीं रह पाओगे, संसार में किसी वस्तु को अपना नहीं पाओगे। आप चाहो कि संसार भी आपका रहा आए, ठाकुर जी भी आपके रहे आए, नहीं हो पाएगा। प्रेम लक्षणा भक्ति के पथ के अनुगामी बनोगे तो एक को तो छोड़ना पड़ेगा, या तो ठाकुर जी को छोड़ो या संसार को छोड़ो। फिर चित अनंत न भट क्यों, ओ फिर चित अनंत न भट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पैट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पैट क्यों, छवि पे अटक क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक। कृष्णदास जी कहते हैं, माधवी अब पूछ रही है मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत रोका, बहुत बचाया अपने आप को कि उसके सामने कभी ना पड़ूं, लेकिन मेरा ब्याह भी तो ब्रज में हुआ ना, जहां कानों से, आंखों से, नाक से, जीव से, त्वचा से, सब जगह से कृष्ण ही जाता है भीतर। मैं कहां तक रोकूं खुद को, और जब अब आ चुका है भीतर, जब वो चित्त में बैठ गया, तो अब मैं क्या करूं, मेरे बस में नहीं अब कुछ भी। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी, ये नारायण दास जी का पद है, नारायण दास जी का पद है, बहुत सुंदर पद है। वे कहते हैं, एक बार जिसको ठाकुर जी की लगन लग जाती है, लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम। कृष्णदास जी कहते हैं, एक बार लगन यदि लग गई ठाकुर जी की, फिर संसार के नहीं रह पाओगे, तो फिर करें क्या, फिर क्या उपाय है? एक ही उपाय है, कृष्णदास किए प्राण न्युछावर, कृष्ण दास किए प्राण न्युछावर, कृष्ण गिरधर छवि पैट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पैट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पैट क्यों, गिरधर छवि पैट, छवि पैट क्यों, छवि पैट।
कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर यह तन जग सिर पटक्यो। इसका मतलब क्या है? मतलब प्राण त्याग दें अपने? नहीं, कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर का मतलब जीवन न्योछावर। अब जीवन की हर स्थिति ठाकुर जी को अर्पित करो। अभी हम लोगों ने अपना पूरा जीवन किसको अर्पित कर रखा है? अपने तन को। इसी को ही सजाने सवारने खिलाने पिलाने उठाने सुलाने, इसी का नाम यश वैभव कराने में ही लगे रहते हैं हम लोग। लेकिन वैष्णव भक्त का एक एक क्षण केवल ठाकुर जी के लिए होता है। इसलिए मैं पहले ही टर्म्स एंड कंडीशंस बता दूं, या तो इस भक्ति के मार्ग के अनुगामी बनना मत, बनो तो इस बात को पहले ही समझ लेना कि संसार की फिर कोई क्रिया नहीं कर पाओगे। मीराबाई का चरित्र मनोमंथन के लिए सुनिएगा, मनोरंजन के लिए नहीं। कहीं मीराबाई का चरित्र हृदय में घर कर गया तो फिर संसार के नहीं रह पाओगे आप। जो मैं बीच में पंक्ति छेड़ रहा था, मीराबाई की स्थिति क्या है? पद में कहते हैं, भजन तो भूल जाओ, चार दिन पद ही सुनो। क्या कहते हैं? नारायण जी का पद है, लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम। स्थिति क्या होती है? धरत कहूं पग परत है कित हूं। रखोगे कहीं पैर और जाएगा कहीं। धरत कहूं पग परत कित हूं, भूल जाए सुधी धाम की छवि निहार, नहीं रह सार कछु छवि निहार, नहीं रह सार कछु धरि पल निस दिन जाम की जाए, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम की। बंधुओं, ठाकुर जी कुछ रूपों से आकृष्ट करते हैं। पंच रस तो प्रमुख हैं, रूप रस स्पर्श गंध और शब्द। जरूरी नहीं है कि कथा से ही आपका चित्त पकड़ा जाए, लेकिन एक बात समझिएगा, कथा से ठाकुर जी के नहीं हो पाए तो बाकियों में संशय हो सकता है कि बाकियों से ठाकुर जी के हो पाओगे। या तो ठाकुर जी का रूप देख करके आप उनके आसक्त हो जाओगे, या तो ठाकुर जी के रसयुक्त कीर्तन पद को सुन के उनके हो जाओगे, या तो ठाकुर जी के या ठाकुर जी के वैष्णवों के स्पर्श से उनके हो जाओगे, या ठाकुर जी की सुंदर गंध यानी कि उनके अनुभव से उनके हो जाओगे। लेकिन रूप रस स्पर्श गंध ये चारों तब तक सार्थक नहीं होंगे जब तक शब्द से उनके नहीं होंगे, मतलब कथा से उनके नहीं होंगे। माधवी के साथ क्या हुआ? 24 घंटे ब्रज में कृष्ण की चर्चा चलती रहती है, तो ना चाहते हुए भी कृष्ण चिंतन जा रहा था चित्त में, कृष्ण की कथा प्रवेश कर रही थी चित्त में। चित्त में कथा ने प्रवेश किया तब रूप ने आकृष्ट किया। कथा पहले आएगी जीवन में, और माफ कीजिए, जिसको जिसके जीवन में कथा ने प्रभाव नहीं किया ना, वो उसके सामने ठाकुर जी खड़े भी हो जाएंगे तो भी उसका कुछ नहीं होगा। कथा प्रथम आ सकती है। आपके श्री रुक्मणी जी ने जब द्वारिकाधीश को पत्र लिखा, क्या कहा?
कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुणवताम ते। श्रुत्वा गुणान, मैंने आपको सुना है, और जब से सुना है तब से आपसे प्रेम किया है, मतलब बिना सुने प्रेम नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं महाराज जी तीर्थ दर्शन करा दो, हमको प्रसाद पवा लो, कुछ भी करा लो, कीर्तन में नचा लो, कथा सुनने की मत कहो। तो मेरे मन में आता है इस जन्म में तो ठाकुर जी तुझको कभी नहीं मिलने वाले, तू कथा से तेरे में रति नहीं है, कथा से तुम्हारे हृदय में प्रीति नहीं है। तो चाहे तुम कितने भी साधन कर लो, श्रीमद् भागवत में लिखा श्रम एव ही केवलम, यदि आप सारी क्रिया करते हो लेकिन कथा से रुचि नहीं है तो आपके द्वारा की गई समस्त क्रियाएं श्रम है। आहा, मीरा भाई माधवी अब स्थिति हो गई, धरती कहीं है पैर, जाता कहीं है, चलती कहीं है, बैठती कहीं है, सोचती कुछ है, करती कुछ है। जित मुंह उठे तित ही धावे, मतलब जहां मुख घूम जाता वहीं को दौड़ने लग जाती हैं। वो खड़े श्याम सुंदर, मुख यहां घूम, अरे वो खड़े श्याम सुंदर। जित मुंह उठे तित तित ही धावे, सूरत न छाया धाम की, अस्तुति निंदा करो भले ही, मेड़ तजी कुल जान की। अब चाहे कोई मेरे भाव की प्रशंसा करे या कोई मेरे भाव की निंदा करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अरे तू तो पागल है, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, कोई बात नहीं। अरे ये तो परम भक्त है, परम वैष्णव है, तो प्रशंसा सुनने से ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता, और कोई बुरा कहता है तो बुरा भी नहीं लग रहा है, ऐसी स्थिति हो गई। नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, रहू न काहू काम की जाहे, लगन लगी घन श्याम की जाहे, लगन लगी घन श्याम। हम किसी काम के नहीं है, आपको पता है, हमारी माताजी, हमारे परिवार के लोग हमसे इसलिए दुखी रहते हैं, बोले इससे केवल कथा करना आता और कुछ नहीं आता इसको। हम जब वैसे तो घर जाने का अवसर नहीं मिलता, 2-3 महीना कथाओं में ही रहते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तो घर के काम माता जी कहती हैं ये भी देखो वो देखो, भैया इतने दिन में आए हो ये देखो, तो वो सब होता ही नहीं है। बस कथा करा लो, ठाकुर जी की सेवा करा लो, उत्सव करा लो, इसके अलावा कुछ और करने को कहोगे तो हम बिल्कुल अंगूठा छाप हैं हर चीज में, हमसे कुछ नहीं हो सकता। और यही स्थिति है बंधुओं, यदि आप संसार के और किसी काम के रह गए तो समझो अभी ठाकुर जी के भय नहीं। माधवी की स्थिति ऐसी हो गई, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम। व्याकुल हो गई माधवी, गोपियों से कहने लगी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पैर पूजूं, मुझे नंद नंदन के पास ले चलो। बंधुओं ये हमारे ब्रज साहित्य की कथा है। ब्रज की कोई गोपी जब उसको ठाकुर जी का दर्शन करना होता था तो क्या करती थी, यमुना जल भरने जाती और चलते चलते धूप का बहाना लगा के कि धूप में चक्कर आ गए और चक्कर खा के गिर जाती, और फिर उस पर जल डालो, औषधि पिलाओ, किसी से ठीक नहीं होती। तब 2-4 गोपी जाती ठाकुर जी के पास, बोले एक गोपी बेहोश हो गई चलो, ठाकुर जी आते फिर, और ठाकुर जी आकर के वाके कान में आकर के कहते
चल रही गोपी जल्दी खड़ी है जा मैं आ गयो, सोई गोपी चेतना में आ जाती, ठाकुर जी को देख लेती, ठीक हो जाती। ठाकुर जी वैद्य बन गए वैद्यराज, गोपियों की चिकित्सा करते हुए घूमते हैं। एक बार एक गोपी की मैया बोली, बोले ये लाला बड़ो कान में कहा बोले, सबरी गोपी उठ के खड़ी है जाए। एक बार वो वृद्ध गोपी ने विचार किया, आज मैं बीमार होके देखूं, मैं देखूं कहा बोले कान में। उसकी भावना तो कुछ थी नहीं, ठाकुर जी के प्रति प्रेम तो था नहीं, ऐसी चलती चिड़ती हाय राम गिर गई करके बेहोश हो गई। गोपी बोली, अरे बेहोश हो गई है सासू माँ, कन्हैया को बुलाओ। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आके देखते ही पहचान गए, बोले भाव नहीं है, जबरदस्ती पहचान करना चाह रही है कि मैं कान में क्या बोलता हूं। ठाकुर जी आए, आकर के पहले नब्ज उठा के देखी, बेहोश थोड़ी थी, चेतना में थी, वो तो सुनना चाह रही थी कान में मंत्र क्या बोलते हैं ये। ठाकुर जी ने पहले नब्ज देखी और फिर वो जो पड़ी थी उसकी बहू से बोली, अरे तेरी सासू तो बहुत बीमार रह गई है, याकू तो बड़ो वालो मंत्र देना पड़ेगा। बोले कहा, बोले मंत्र से काम ना चलेगो, या के काजे तो नीम तोड़ के लाओ और नीम को कंडा में जला के नीम को धुआं करो, वहां में लाल मिर्च डालो, वो या कि नाक पे लगाओ तब ठीक होएगी। इतने में सास उठ के खड़ी है गई, मैं ठीक है गई लाला, है गई ठीक, तेरे फाम पूजू बस अब कछु ना चाहिए। श्याम सुंदर ऐसे गोपियों की चिकित्सा करते हैं, लेकिन आज जब माधवी की स्थिति ऐसी भई, गोपियां कहीं, बोले लाला एक नई गोपी आई है अचेत पड़ी है, लाला एक बार दर्शन दे दे। बोले कहा नाम है बाको? माधवी। अरे अपने श्रीदामा की बहू? भगवान बोले वो बहू? बोले हाँ। वो ससुराल ते आई का है? बोले हाँ वही। वाकू तो अपना मुख नहीं दिखाऊंगा? अरे बड़ी इतरा रही, मैं वासे पाम पूछ रहा हूं कि अपना मुख दिखाए दे, मुंह को दिखाया नहीं माने, पड़ी रहन दो, मैं ना आऊंगा वाक के पास। वाकू तो मैंने वचन दिया है कि वो तड़पेगी मेरे रूप को देखवे के काजे। ठाकुर जी नहीं गए माधवी से मिलने, क्योंकि ठाकुर जी चाहते थे कि यह विरह वेदना कलयुग में प्रेम लक्षण बन के जन्म लेगा, इसलिए विरह देना पड़ेगा। जब बीज में से एक स्वस्थ वृक्ष को जन्म देना होता है ना, धूप की ताप में रखना पड़ता है। ठाकुर जी यदि किसी को वेदना देते हैं, विरह देते हैं, तो निश्चित है उस पर अति कृपा है, अति प्रसन्न है उससे, उससे कुछ और कामना है। ठाकुर जी सहज में ही किसी को अनुभव दे दें, सहज में ही किसी को कृपा कर दें, तो समझो कि अभी उसकी भक्ति उतनी श्रेष्ठ नहीं हुई। लेकिन किसी को तड़पा में विरह दे में, तो समझो इससे प्रीति ज्यादा है। व्याकुल माधवी, तभी प्रसंग आया गोवर्धन लीला का। इंद्र के मान को मर्दन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पूजा का कार्य रखा, सब ब्रजवासी गए, गोपियां गईं, अरे माधवी वैसे तो कन्हैया आवे ना है, लेकिन आज सब ब्रजवासी जा रहे हैं, आज तो को कन्हैया जरूर दिख जाएगो, चल। माधवी भी गोवर्धन गई है, लेकिन बंधुओं उसकी दृष्टि में पता नहीं क्या हो गया, उसको सब दिख रहे हैं लेकिन ठाकुर जी नहीं दिख रहे। गोपियों से कहे, कहीं दिखे श्याम सुंदर? बोले वो तो घूम रहे सामने, देखे तो ठाकुर जी ओझल हो जाएं, ठाकुर जी कहीं छुप जाएं, मानो कोई लता पत्र अपने आप आगे आ जाए, बाधाएं अपने आप खड़ी होने लगी, और त्यों त्यों व्याकुल होवे माधवी। 56 भोग के बाद जब इंद्र ने अपने मान के प्रभाव से जब मेघ वर्षा की, त्राहिमाम त्राहिमाम करके सब ब्रजवासी दौड़ने लगे, तब नन्हे से बाल कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। सब ब्रजवासी जाकर के गिरिराज पर्वत के नीचे खड़े हो गए, माधवी भी वहीं खड़ी थी। गोपियों से बोली, मैं प्राण हाथ जोड़ूं तुम्हारे, एक बार मुझे दृष्टि गोचर करा दो, एक बार उसका दर्शन करा दो बस। गोपियां जैसे तैसे भीड़ के बीच से लेकर के उस मुख्य स्थान पर गई जहां ठाकुर जी खड़े थे, सबको दर्शन हो रहे थे। लेकिन जैसे ही माधवी पहुंची, माधवी ने जैसे ही उस चट्टान के ऊपर देखा जहां ठाकुर जी खड़े थे,
ठाकुर जी का एक क्षण गिरधर स्वरूप दिखा और दिखते ही ओझल हो गया, धुंधला हो गया, मानो आंखों में पानी आ गया। खूब मीड़े, खूब जल डाले, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। प्राण निकलने को होने लगे माधवी के, लेकिन निकल भी नहीं रहे हैं, सिर पकड़ के बैठी है। प्राण ही निकल जाए, नहीं दिख रहे हैं तो। चरणों में सर झुका दिया, बोले क्षमा कर दो, मैंने अपनी मां के गलत उपदेश का पालन किया, जिससे मुक्त छुपाना नहीं था उससे छुपाया, मुझसे अपराध हो गया नाथ। ठाकुर जी बोले, माधवी अब तो तुझे मेरा रूप नहीं दिखेगा, अब तो प्रतीक्षा कर। कितने वर्षों की प्रतीक्षा? ठाकुर जी बोले, एक युग की प्रतीक्षा, अब तो तुझे मेरा दर्शन कलयुग में ही होगा, जाओ अब मेरी विरह वेदना रूपी भक्ति में ही रहो, उपासना करो मेरे रूप की, उपासना करो मेरी, तब जाकर के तुमको दर्शन होगा। माधवी का फिर उसके बाद जीवन केवल नेत्र बंद करके साधना युक्त रहती है, रोती है, विलखती है, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखते उसको। ब्रज की गोपियां भी कभी कभी माधवी के ऊपर तरसती हैं कि बताओ हम कितनी सौभाग्यवंत हैं कि हमको दिख जाते हैं, इसको दिखते ही नहीं है। सब आकर के रूप बताती हैं, आज श्याम सुंदर ने ऐसी पाग पहनी है, ऐसे वस्त्र पहने हैं, ऐसी, उन्हीं का ही चिंतन करके माधवी अपना जीवन यापन करती है। और इसी प्रकार सुन सुन करके ठाकुर जी के रूप माधुरी का अपने जीवन यापन करते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया माधवी ने। और वही माधवी की दिव्य चेतना इस आभा मंडल में भ्रमण करती रही, कलयुग प्रारंभ हुआ। और कलयुग में भी जब भक्ति शतक, भक्ति काल जब आया, तब भारत की, राजस्थान की भूमि, और उस राजस्थान की भूमि में भी मेड़ता में भी परम गौ भक्त, परम संत भक्त, परम ब्राह्मण निष्ठ राव दूधाजी के छोटे पुत्र के यहां पर भक्तिमती माधवी ही मीरा के रूप में जन्मी है। बोलो भक्तिमती मीरा बाई की जय। शरद पूर्णिमा का दिन, अभी निकल करके गया शरद पूर्णिमा, वही शरद पूर्णिमा का मंगल दिवस। बंधुओं, शरद पूर्णिमा के दिन मीराबाई का अवतरण इस बात की पुष्टि है कि वो वही माधवी नाम की गोपी ही प्रकट हुई है, क्योंकि यही शरद पूर्णिमा है जिस पूर्णिमा पर ठाकुर जी समस्त गोपांगनाओं के साथ में आनंद करते हैं, ब्रज विलास करते हैं, रास विलास करते हैं। उसी शरद पूर्णिमा के दिन वीर कुंवरी जी, जो मीराबाई की मां है, उनके विषय में भी वर्णन आता है बंधुओं की, दूधा जी के यहां पर संत वैष्णव आते रहते थे, और जब भी कोई संत आते थे तो दूधा जी का प्रस्ताव जाता था कि भगवान अगर आपको अवकाश हो तो घर पर आइए, कथा सुनाइए भागवत की। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, सूरदास, मीराबाई, कुंभन दास, रहदास, ये जितने भी भगवत भक्त कलिकाल में हुए ना, सबकी जन्मदात्री हमारी श्रीमद् भागवती है। श्रीमद् भागवत से ही उद्गम हुआ है, इन्हीं के भावों से ही पुष्ट होकर के ये सब पधारे। इसलिए बंधुओं, जीवन में कभी श्रीमद् भागवत का आश्रय मत छोड़ना। श्रीमद् भागवत ही दिव्य चेतना धारण करके जब चित्त में विराजमान होगी तभी भक्ति भाव प्रकट होगा। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, कथा से धर्म नहीं सीख पाओगे। श्रीमद् भागवत की कथा धर्म नहीं सिखाती, अर्थ नहीं सिखाती, मोक्ष नहीं देती। श्रीमद् भागवत कुछ नहीं देगी, श्रीमद् भागवत केवल प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है।
कृष्ण प्रिय लगने लगते हैं भागवत से। तो कुंवरी जी बैठकर के कथा सुनती थी, जो भी संत आते थे कथा सुनाते थे। श्रीमद् भागवत की कथा हुई, एक संत सुना रहे थे, तो मीराबाई की माताजी बड़ी जिज्ञासाएं प्रकट करती थी, कथा के बाद में प्रश्न पूछती थी व्यास जी से, अनेक प्रश्न पूछती थी। बंधुओं, ज्ञान सदैव जिज्ञासा के पात्र में ही टिकता है, जिज्ञासा होनी चाहिए। मीराबाई का आप जब चरित्र सुनोगे, इतने प्रश्न करती थी, इतने प्रश्न और ऐसे ऐसे प्रश्न कि अच्छे अच्छे ज्ञानी चुप हो जाते थे। लेकिन बंधुओं, एक समय ऐसा आता है मीराबाई के जीवन में कि प्रश्नों का समाधान मिल जाता है, सब समाप्त हो जाते हैं। जब तक जिज्ञासा है, जब तक प्रश्न है, तब तक ही बस भाग रहे हैं। जैसे ही सबका उत्तर, कृष्ण आएंगे, सबके उत्तर अपने आप मिलेंगे। और यही हुआ। मीराबाई की माताजी जब कथा सुनती थी, गर्भ में बालक है, और ये तो निदान भागवत में भी बताया गया कि जब गर्भवती माता हो तब तो कथा का आश्रय जरूर लेवे, क्योंकि गर्भ का बालक जब गर्भ में होता है तभी उसकी बुद्धि मति का निर्माण होता है। उस समय कथा सुनाई जाए तो निश्चित बालक पर प्रभाव देगी। तो मीराबाई की माताजी कथा सुनती थी, ऐसे ऐसे प्रश्न करती थी। बोले, भगवान आप कहते हैं कि ठाकुर जी ने मन बनाया, मैं अकेला हूं, बहुत होना चाहता हूं, तब भगवान ने सृष्टि बनाई। जो पूर्ण काम है उसको एको हम बहुश्याम की स्थिति क्यों, जिसको संसार से कोई मतलब नहीं है, जो अपने आप में परिपूर्ण है, उसको सृष्टि बनाने की इच्छा क्यों प्रकट होती है। ये सब प्रश्न कुंवरी जी करती हैं मीराबाई की पूज्य माता जी। एक दिन प्रश्न किया, यदि माया भगवान के सामने टिक नहीं पाती तो फिर इस संसार को कौन बनाता है, संसार तो माया है, और जब माया भगवान के आगे नहीं टिक सकती तो क्या भगवान ने संसार को नहीं बनाया। ऐसे ऐसे प्रश्न बाई जी करती थी। दूधा जी बैठ करके सुनते थे, थोड़े आनंदित भी होते थे, चलो प्रश्न तो अच्छे हैं, ऐसे प्रश्न जिज्ञासा प्रकट कर रही है, इसका मतलब श्रेष्ठता है, कथा सुनती हैं। परंतु बंधुओं, जैसे ही कथा में श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद प्रारंभ हुआ और नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृत वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पुत्र देवार्चनम तथा। जैसे ही नंदोत्सव की कथा प्रारंभ हुई, एक दिन दो दिन निकल गए। अब दूधा जी कहें कि भाई रोज प्रश्न पूछती थी बहू रानी, आजकल प्रश्न नहीं पूछ रही है, पूछवाया। बोले, अब कोई जिज्ञासा नहीं तुम्हारी, तो बस सजल नेत्रों से बोल पड़ी कि पता नहीं जब से कृष्ण जन्म हुआ तब से ऐसा लग रहा है मानो प्रश्न उठता तो है लेकिन प्रश्न का उत्तर भी हृदय में अपने आप ही आ जाता है। ये बात सुनकर के दूधा जी समझ गए, निश्चित ही गर्व का बालक साधारण नहीं है। संकेत तो जन्म से पहले से ही होने लगे थे कि भक्तिमती मीरा का अवतरण होने वाला है। और जब शरद पूर्णिमा का समय आया और दास दासियों ने जाकर के दूधा जी को बताया, बोले कि बधाई हो, आपके घर आपके पुत्र के यहां एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। बंधुओं, मीराबाई के चरित्र में आता है कि श्री राव दूधा जी ने मेड़ता में इतना उत्सव मनवाया, सुनने वालों को यही लगता था कि लाला हुआ है, सुनने वालों को यही लगता था कि पुत्र हुआ है, लेकिन जब पता चलता कि नहीं, पुत्र नहीं, पुत्री हुई है, तो राव दूधा जी की सब लोग जाकर के बलैया लेते, प्रणाम करते, बोले धन्य हैं आप,
आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, कहते हैं कि प्राचीन काल के भारत में माताओं को नहीं करते थे, माताओं का जन्म की बात सुनते ही माता पिता ऐसा करते आदि। अरे ये वो लोग करते थे जिनकी बुद्धि विकृत थी, लेकिन राव दुदा जी उनके विषय में वर्णन आता है, जैसे श्री कृष्ण जन्मोत्सव 6 महीने मास पर्यंत चलता रहा, वर्ष पर्यंत चलता रहा, ऐसे ही मीराबाई का जन्मोत्सव भी मास पर्यंत चलता रहा। सबको बधाइयां बांट रहे हैं, अपने गले के हार दे देते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने राव दुदा जी से पूछा, भगवान ये जब से आपके पुत्र के पुत्री हुई है तब से आप बड़े प्रसन्न दिखाई देते हो, ऐसा होता है कि कई घरों में लक्ष्मी जन्म लेती है और उस लक्ष्मी के जन्म लेते ही घर में कुछ अद्भुत होने लग जाता है, तो निश्चित ही आपके पुत्र के जो पुत्री हुई है उसके आने के बाद आपके घर में क्या ऐसा हुआ कि आप इतने प्रसन्न रहते हो। लोग बागों को कहता सुना गया, हम लोग इतने परिवारों में जाते हैं, लोग कहते हैं महाराज जी जब से हमारे घर में बेटी हुई तब से धन की कोई कमी नहीं, जब से हमारे घर में बेटी हुई फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है, जब से हमारी बेटी हुई तब से हमारे काम ऐसे चल रहे हैं। लेकिन राव दुदा जी क्या कहते हैं, बोले भैया जब से हमारे घर में पुत्री हुई है ना तो मेड़ता में पहले से ही बहुत संत आते थे, लेकिन जब से हमारे पुत्र की पुत्री हुई है तब से ऐसा लगता है एक एक कोना अयोध्या, दूसरा कोना वृंदावन, तीसरा कोना बद्रीनाथ, चौथा कोना, बोले इतने संतों की जमात आती है, इतने वैष्णव आते हैं, इतने भक्त वृंद हमारे मेड़ता में सहज ही अनायास ही आ जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे घर लक्ष्मी नहीं साक्षात भक्ति रानी आई है, साक्षात भक्ति महारानी पधारी है। बंधुओं संतान के जन्म लेने से धन बढ़े, वैभव बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, यश बढ़े, मान बढ़े, कीर्ति बढ़े, ये सबकी इच्छा होती है, पर संतान के आती भक्ति बढ़े, ये राव दुदा जी के साथ हो। पहले जितनी सेवा पूजा घर में होती थी उससे कई गुना ज्यादा अब होने लगी जब से भक्तिमती मीरा पधारी। ब्राह्मणों ने सुंदर कुंडली बनाई और नामकरण के लिए जैसे ही बैठे तो सब देखा तो शरद पूर्णिमा के दिन मध्य दिवस में मीराबाई का जन्म हुआ, सूर्य आकाश में थे तब मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ, तो ब्राह्मणों ने नाम मीराबाई का रखा मिहिरा। मीराबाई का असली नाम मिहिरा, मिहिर कहते हैं सूर्य को, ऐसे सूर्य के प्रकाश में पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ इसलिए नाम पड़ा मिहिरा। परंतु फिर अब घर में होता ही है कि लोग बाग जब नाम बोलते हैं तो फिर वो शॉर्ट फॉर्म हो ही जाता है, तो मिहिरा 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 करते करते मीरा मीरा हो गया, लेकिन मूल नाम जो ब्राह्मणों ने रखा मीराबाई का वो है मिहिरा, मिहिरा नाम रखा गया। ब्राह्मणों ने राज पुरोहितों ने आकर के बताया, बोले महाराज आपकी ये बालिका इसके गुण कैसे, बोले शांत होगी, सुशीला होगी, बुद्धिमती होगी, ऐश्वर्यशालिनी होगी, यशस्विनी होगी, धर्मानुरागिनी होगी, भक्तिमती होगी, योगिनी होगी, संसार के सुख से रहित रहने वाली होगी, ज्यादा संसार के भोग विलास उपभोग में इसकी रति कम होगी, अपने कुल को यश प्रदान करने वाली होगी, माता पिता का नाम अमर करने वाली होगी, दशों दिशाओं में युग युगांतकों तक आपकी इस बालिका का नाम रहेगा, कई मानवों की प्रेरणा की स्रोत बनेगी। और प्राचीन काल में बंधु, वैसे तो आज भी ज्योतिषी से आप पूछोगे तो वो बता देगा कि मृत्यु कैसी होती है, पर अब बताते नहीं है, पर यहां पर यह भी बता दिया, बोले इसका मृत्यु काल एक आश्चर्य बन के रह जाएगा, आपकी ये बालिका ऐसी होगी। ये सब भाव सुनकर के राव दुदा जी बड़े प्रसन्न रहने लगे। घर में उत्सव होते हैं, रोज नए संत पधारते हैं, कोई सत्संग की क्रिया होती है, कुछ भी होता है, धीरे धीरे मीराबाई 6 महीने की हो गई। बंधुओं छोटे छोटे बालक रोते हैं तो रोने पर हम लोग टॉफी दे दें, खिलौना दे दें,
आदि आदि वस्तु दे दें कि उससे वो शांत हो जाए। लेकिन मीराबाई के चरित्र में आता है कि बाईसा जब रोती थी तो उनके सामने खिलौने रखे जाते, खाने की वस्तु रखी जाती, लेकिन उससे भी कितनी भी आवाज करो, ध्वनि करो, कुछ भी करो, उससे उनका चित्त शांत नहीं होता था। एक दिन राव दूदा जी ने सुना बड़ी जोर से रोने की आवाज आ रही है, अरे भैया ये मीरा रो क्यों रही है? रानियों ने कहा भगवान पता नहीं सुबह से शांत करा रही है पर हो ही नहीं रही। राव दूदा जी बोले लाओ मुझे दो, मैं लेके जाता हूं। गोदी में लेकर के मीरा को राव दूदा जी बाहर गए और दूदा जी के बंधुओं महल में चतुर्भुजनाथ भगवान का मंदिर है जहां चतुर्भुज भगवान विराज रहे हैं, मीरा को लेकर के जा रहे हैं, रोना शांत नहीं कर रही, खूब शांत करा रहे हैं, लेकिन जैसे ही चतुर्भुज भगवान के मंदिर में लेकर के गए, घंटे घड़ियाल बज रहे थे, आरती चल रही थी, राव दूदा जी ने इशारा किया, देखो देखो लाली सामने देखो, जय 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 जय। मीराबाई ने जैसे ही सामने ठाकुर जी को देखा शांत हो गए। एक टक अपलक नेत्रों से 6 महीने की बालिका ठाकुर जी को देख रही है और ठाकुर जी के रूप पर मानो वहीं से ही न्योछावर हो रही है। घर के लोगों को उपाय पता चल गया, अब तो मीरा जब भी रोवे सब उठा के उसको मंदिर ले जाएं और मंदिर जाते कुछ मत करो, घंटे घड़ियाल भी मत बजाओ, बस मंदिर में जाके बैठ जाओ, मीरा अपने आप शांत हो जाती है। अब तो घर में जो भी आता है मीरा जैसे ही रोती है लेकर के सब मंदिर भागते हैं और मीरा शांत हो जाती है। बंधुओं आजकल तो पता नहीं पर प्राचीन काल में ऐसा होता था कि जब बालक 6 महीने का बड़ा होने लगता, अन्नप्राशन संस्कार होता, उसको पहला अन्न खिलाया जाता, तब आज भी शायद मैंने एक दो जगह वीडियोस में तो देखा बच्चों के आगे 4-5 वस्तु रखते हैं, गीता जी रखेंगे, पैसा रखेंगे और छुरी रखेंगे और बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं, बच्चे को छोड़ देते हैं जब वो गुटमुन चलने लगता है और फिर देखते हैं वो किसकी तरफ आकृष्ट होगा। बालक यदि चक्कू वक्कू पे हाथ धर दे तो माता पिता तभी रोने लग जाते, बोले अरे इसको सिखाना पड़ेगा, इसको सुधारना पड़ेगा, अभी से ही हाथ धर दिया तो बचपन से ही माता पिता उसका फिर वातावरण शुद्ध करते थे कहीं बिगड़ ना जाए। लेकिन वो बालक गीता जी पे हाथ रखता है या कहीं श्रेष्ठ स्थान पे, ऐसा होता था ना पहले, आजकल तो नहीं होता। आजकल बंधुओं करना भी मत, बताऊं क्यों? क्योंकि 9 महीने बालक गर्भ में रहा उस समय माता पिता की ही चित्त वृत्ति शुद्ध नहीं थी, तो निश्चित बालक जन्म लेती गलत वस्तु ही छुएगा, तो जीवन भर घबराहट में रहोगे, इसलिए बढ़िया अब करना ही नहीं ये काम। श्रीमद् भागवत कहती है बंधुओं बालक का पालन जन्म होने के बाद नहीं होता, बालक का पालन तो 9 महीने मां के गर्भ में ही हो जाता है, उसको संभालते हो आप जन्म लेने के बाद, लेकिन उसकी बुद्धि और चित्त का निर्माण तो तब होता है जब 9 महीने वो मां के गर्भ में होता है। उस समय मां जैसी रहती है, जैसा सोचती है, जैसा करती है, उसका प्रभाव बालक पर होता है। श्रीमद् भागवत में 5 काम बताए गए गर्भवती माताओं को 5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, 5 काम कौन कौन से? जैसे ही पता चले गर्भ में बालक आ गया है, गर्भ में बालक है, उसके बाद में मां जब तक बालक को जन्म ना दे इन 5 चीजों का ध्यान रखे, क्या? सत्यम, शौचम, दया, दानम, एक भुक्तुम तु भोजनम, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सत्य वाचन, सत्य बोले, 9 महीने तक मजाक में भी झूठ ना बोले, शौचम यानी कि पवित्रता रखे, अपने आसपास भी शुद्धता का ध्यान रखे, दया सब पर दया करे, शत्रु भी आ जाए उससे भी प्रेम से ही बात करे, दानम रोज कुछ ना कुछ दान करे, और 5वां और सबसे कठिन एक ही बार भोजन करे, बाकी के समय फल खा करके पौष्टिक आहार ही खावे, भोजन एक ही बार करे। इस प्रकार 9 महीने जो माताएं ध्यान रख करके अपना शैशव काल, अपना गर्भस्थ का काल जब निकालती हैं, और 6वां काम रोज भागवत की कथा सुने,
रोज वैष्णव भक्तों का सत्संग श्रवण करे, तेन पुत्रोति निर्मल, उसका बालक साधारण नहीं होगा। तो मीराबाई का ऐसा स्वरूप स्वभाव। अब तो उनको लेकर के सब मंदिर में ही बैठ जाते हैं। धीरे धीरे मीराबाई थोड़ी और बड़ी हुई, घर में एक संत पधारे। घर में क्या चलता है उससे मीराबाई को ज्यादा रुचि नहीं होती, लेकिन संत वैष्णव आते हैं, बचपन से ही मीराबाई उनके पास जरूर बैठती है, पूछती कहां से आए हो, आपका नाम क्या है, आप ऐसे वस्त्र क्यों पहनते हो, आप कितनी बड़ी दाढ़ी क्यों है, ऐसी जटा क्यों रख रखी है, यही पूछती रहती मीराबाई। और नेक्सी सी नन्नी सी बालिका के मुख से तोतली वाणी से ऐसे सुमधुर स्वर सुन के संत जन खूब आशीष देते हैं मीराबाई को। एक संत पधारे, अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, मीराबाई पहुंच गई और बैठ करके ठाकुर जी को देख रही है कैसे सेवा हो रही है, कैसे आरती हो रही है, पंचामृत स्नान हो रहा है आदि आदि सब देखने लगी। संत ने धीरे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है। मीराबाई ने अपना नाम बताया, मेरा नाम मीरा है। मीराबाई बोली आप क्या कर रहे थे। बोले ये मेरे ठाकुर जी हैं, मैं इनकी सेवा कर रही थी। मीराबाई बोली ठाकुर जी तो हमारे मंदिर में बैठे हैं, चार भुजानाथ ठाकुर जी तो वो हैं, ये कौन है। बोले वो बड़े ठाकुर जी बेटा, ये छोटे ठाकुर जी। बोले अच्छा ठाकुर जी इतने सारे होते हैं। बोले अरे जैसी जिसकी भावना वैसे ठाकुर जी हो जाते हैं, जरूरी थोड़ी है। तो मीराबाई बोली तो मतलब हमारे मंदिर में जो चार भुजानाथ हैं वो ठाकुर जी नहीं है, ये ठाकुर जी हैं। बोले नहीं ये भी ठाकुर जी हैं, वो भी ठाकुर जी हैं। बोले दो दो ठाकुर जी कैसे। अब मीरा आपके पास बैठी है, अब हमारे राव दुदा जी कह रहे हैं मेरी गोद में, ऐसे कैसे, मैं तो आपके पास हूं ना, ठाकुर जी दो जगह कैसे हो सकते हैं। मीराबाई की नन्नी सी ये मधुर बात सुन के संत बड़े प्रसन्न हो गए। संत समझाने लगे, अब मन में सोच भी रहे हैं छोटी सी है इसको क्या समझाऊं मैं, लेकिन फिर समझा भी रहे हैं। बोले बेटा ठाकुर जी उपासना के बिंदु होते हैं, हम उनकी उपासना करते हैं तो ये प्रारंभिक स्थिति होती है कि एक जगह ठाकुर जी को मान करके उनकी पूजा की जाती है, फिर धीरे 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 जब हमारे भाव दृढ़ हो जाते हैं तो सब जगह ठाकुर जी दिखाई देते हैं, फिर सब जगह ठाकुर जी आ जाते हैं। मीराबाई मधुर स्वर सुन करके आनंदित सी हो गई, लेकिन ठाकुर जी को घूर करके देखने लगी और कहने लगी बोले मेरे चार भुजानाथ जी बहुत बड़े हैं, मैं उनकी सेवा नहीं कर पाती, पुजारी मना करते हैं, आप कृपा करके ये छोटे वाले मुझको दे दो जो आपके पास हैं। संत ने देने से मना कर दिया, नहीं ये तो मेरे ठाकुर जी हैं, ये कैसे दूंगा। मीराबाई के मन में ये बात नहीं है कि एक मूर्ति है, उनको चैतन्य ही मानती है और बाल्यकाल से ये भाव है। मीराबाई दूर से घूर करके ठाकुर जी को देखने लगी, बोले आप चाहो तो मेरे पास आ सकते हो, लेकिन आप ही आना नहीं चाहते हो। ठाकुर जी पर क्रुद्ध हो करके मीराबाई ऐसी बातें करने लगी, जाकर के बैठ गई, रुदन करने लगी, व्याकुल होने लगी, मन में आवे जैसे एक बालक खिलौने के लिए रोता है वैसे मीराबाई रो रही है ठाकुर जी के लिए। अगले दिन प्रातःकाल मीराबाई अपने आप तैयार होकर के सीधे संत के पास पहुंच गई और गेट के बाहर से थोड़ी सी नजर डाल के ठाकुर जी को देख रही। संत को पता चला मीरा आ गई। आज पता नहीं संत के हृदय में क्या भाव आया, गए और अपने ठाकुर जी को उठा के लाए और ला करके मीराबाई से कहा हाथ आगे करो। मीरा ने हाथ आगे किया, सो छोटे से ठाकुर जी जिनकी संत सेवा करते थे मीरा के हाथ में पधरा दिए। लो अब से ये तुम्हारे, सेवा करो इनकी। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, जागा भाग्य है तेरा बेटी
जागा भाग्य है तेरा ले मीरा है गिरधर तेरा ले मीरा है गिरधर तेरा। मीराबाई को गिरधर प्राप्त हो गए। मीराबाई लेकर के आई हैं, सेवा करती हैं, नामकरण आदि सेवा के भाव अब आगे कथा में आएंगे, उनको हम कल सुनेंगे 4 बजे से। अब गिरधर नागर पधारे हैं, आज आकर के ठाकुर जी शयन कर रहे हैं मीराबाई के पास। बंधुओं, ये मधुर सत्संग यहाँ चल रहा है। आज प्रथम दिवस मीराबाई के पूर्व जन्म और इस जन्म के प्रारंभिक भाव को हमने श्रवण किया, परंतु गांधी धाम जिस भाव को लेकर के हम यहां से गए थे वो भाव तो सदा रहने वाला है, और अब आए और उस भाव को ना गाएं ऐसा हो नहीं सकता। जिस भाव का निर्माण इसी गांधी धाम की भूमि पर हुआ वृंदावन रसामृत, रोज कथा के विश्राम में उसका पाठन तो हम करेंगे। अब तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, सबको याद हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो हमारे साथ भाव से गाओ। हमारे वृंदावन के साथ सप्त निधि और उन सप्त निधियों को उजागर किया गया था इसी गांधी धाम की भूमि पर। आओ उन्हीं सातों निधियों को प्रणाम करते हुए आज के मंगल भाव को विराम देते हैं। सब लोग गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय कुमार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी राधा गोविंद रूप मन सुख धाम।
मदन मोहन को सनातन बल बल जाए वृंदावन प्यारो ठाकुर जी हमारे वृंदावन के गोविंद देव जी, दूसरे निधि हमारे वृंदावन के श्री मदन मोहन जी और तीसरे निधि हैं श्री गोपीनाथ जी। प्रणाम करो। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारों गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ, हे प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ, हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन श्री मधु मधु पंडित जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन श्री वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शाले ग्राम, प्यारो राधा राधा ना
सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो हे सघन कुंज वृंदावन आयो सघन कुंज वृंदावन आयो श्री राधा किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमान युगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमान कुंज निकुंजन की रज धारे कुंज निकुंजन की रज धारे कुंज जहाँ व्यास युगल यश गाए वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन कुंज निकुंजन की रज धारे कुंज निकुंजन की रज धारे जहाँ व्यास युगल यश हमारे वृंदावन के सबसे सुंदर ठाकुर जी सातवें निधि कौन है ए भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि वन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि वन करत बिहार ओ भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि वन करत बिहार वृंदावन अभिराम जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम ओ वृंदावन अभिराम ओ प्यारो वृंदावन अभिराम ओ सप्त निधिन को ही उजियारो सप्त निधिन को ही हम सबके प्राणन सो प्यार
गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन सप्त निधन को ही उजियारो सप्त निधन को ही उजियारो हे हम सबको प्राणन से प्यारो हम सबको प्राणन से प्यारो हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो बाप से गा भानुदुलारी भक्तन की प्यारी बरसाने वारी श्री कृष्ण प्यारी गिरधर की प्यारी ब्रजवासिन प्यारी हरिवंश दुलारी हरिदास दुलारी जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे सब प्रेम से गाओ सब भाव से गाओ बरसाने वारी सब भक्त प्यारी जय राधे राधे द्वारिकाधीश के जय रण छोड़ राय भगवान की जय प्यारे गिरधर लाल की जय मीरा के गिरधर लाल की जय गिरधर की मीरा की जय गिरधर मीरा दोनों की जय 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 श्री राधे बंधुओं 3:30 बजे तक आप लोग सब उपस्थित हो जाना कल भी 4 बजे से हम यहाँ आकर के मीराबाई के मंगल भाव को पुनः सुनेंगे आज प्रथम दिवस अब 3 दिन का और शेष है 4 ही दिन का ये भाव यहाँ पर व्यवस्थित हो रहा है निश्चित ही आनंद का अनुभव हम आप सब लोग कर रहे हैं हमारे क्या आप सब लोग प्रसाद भोजन